हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है द केरला स्टोरी तो द केरला स्टोरी फिल्म का जो हिंदी वर्जन है दूसरे से भी जो डब्ड वर्जन है वो कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं द केरला स्टोरी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी में तीन किरदारों को मुख्य वे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर इस पूरी फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है केरला में और कर्नाटक में कई ऐसे एरियाज में जो एक कन्वर्जन होता है इस्लाम का में कन्वर्ट करते केरला में ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है तो उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के तक, तक तो ठीक है उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सिरसिया में उनको आईएसआई की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आई एस आई के लिए यूज़ किया जाता है तो यही सब चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में डीप में दिखाया हुआ है जहाँ पर किस तरह से ब्रेन वॉश होता है लव जिहाद का एंगल भी इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से सभी चीज़ों को ये जो लोग इसके पीछे छुपे हुए जो ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते तो वो लोग किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते किस तरह से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाते किस तरह से बाद में उस उनको आई एस आई एस में भेजा जाता है किस तरह से वो सभी चीज़ें एज़ अ आई एस आई एस आई आए रिक्रूटमेंबर बन के उनके पास करवाई जाती है इसके अलावा लव जिहाद का एंगल भी दिखाया हुआ है ये सभी एंगल को डीप में हमारे सामने पेश किया हुआ है जिसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की तहे दिल से तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने बखूबी काफ़ी एक रियलिटी को हमारे सामने सेम टू तो सेम वे में दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप दोष तो सेन ने जो फिल्म की कहानी है उसको सूर्यपाल सिंह सुदीप्तो सिंह और विपुल अमृतलाल लाल शाह ने मिलकर लिखी हुई है फिल्म को मीडियम टू लो बजट में ही बनाया हुआ था इस कहानी को लिखने के पीछे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट को लिया हुआ है जहाँ पे जो अलग अलग रियल इंसिडेंट घटे उसको तीन किरदारों में सेट किया हुआ है जहाँ पे एक किरदार का नाम है सालिनी एक का नाम है नीमा आसिफा गीतांजलि तो ये जो लड़कियाँ हैं उनके किरदारों में जो अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग जो घटनाएं घटी थी उनको एक करके एक स्टोरी बनाने के लिए एक थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए सभी किरदार सभी ये सभी घटनाएँ इन तीन किरदारों के थ्रू दिखाने की कोशिश की हुई है इसके अलावा फ़िल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सनसाइन पिक्चर्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके नीचे इसको प्रोड्यूस करवाया हुआ था उन्होंने अपने खुद की इस फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई है इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिसने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम फातिमा बह रखा जाता है योगिता बिहानी ने निम का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बलानी को आसिफा का रोल दिया गया था सिद्धि ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी ने सालिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विजय कृष्णा प्रणय पंचोरी प्रणव मिश्रा जैसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रशांत मोहपात्रा ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ए सर्टिफिकेट के पीछे वायोलेंस है जिस तरह का जो इसमें जो सभी चीजें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है वैसे इस फिल्म में वुमन सेफ्टी के लिए ही मैसेज दिया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें घट रही है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया की लड़कियां सेफ रह सके तो उसमें कोई ए सर्टिफिकेट वाली बात तो नहीं है इस फिल्म का रन टाइम एक मिनट यानी कि दो घंटे अठारह मिनट की एक फ़िल्म है जिसमें पूरी कहानी दिखाई हुई है किस तरह से चीज़ें होती है किस तरह से इस्लाम में पहले कन्वर्ट करवाया जाता है कुछ लोगों के थ्रू और वही लोग बाद में किस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनको आई में ज्वाइन करवाते और उसके बाद में उनको उनके ट्रेनिंग दिलवाते सीरिया और वहाँ पर और उसके बाद में उनको ही यूज़ करके वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी गट्स के साथ दिखाया हुआ है ये सभी दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए तो उन्होंने मेकर्स ने बखूबी सच्चाई को दिखाया हुआ है फिल्म को एडिट किया हुआ संजय शर्मा ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में वीरेश श्रीवल्सा और विशाख ज्योति ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए सनसाइन जो पिक्चर्स है जो फिल्म का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे उन्होंने खुद इन सभी गानों को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे गाने गानों के ऊपर बातचीत करें तो कुछ एक गाने इस तरह जैसे कि एक का गान एक गाने का नाम है तू मिला एक गाने का नाम है अथी राविल एक का नाम है पागल परिंदे और इस तरह से अलग अलग वर्जन में ये सॉरी इस तरह से तीन गानों को इस फिल्म में डाला हुआ है ये सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म की की अम्रुण साल, अम्रुण साल ए, के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो विपुल अमृतसाल शाह अमृत शाह ने एज़ ए क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से कर दी थी फ़िल्म के डायरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी के राइटर भी है तो वो अलग अलग केरला के एरियाज में गए थे वहाँ पर अलग अलग इंसिडेंट को लेते हुए उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टडी की और उसके बाद में उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जिसमें उनको काफ़ी समय लगा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में किए हुए पहले तो वैसे केरला में और कर्नाटक दो ऐसे शहर थे जहाँ पे इसकी शूटिंग हो सकती थी तो वहाँ पे उन दो राज्य में करने की कोशिश की हुई थी लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको पता ही है अभी फिल्म में फिलहाल में फिल्म रिलीज़ हुई उसके पीछे भी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है तो अब देखने वाली बात है कि क्या वो इस फिल्म को केरला में और कर्नाटक में शूट करने देते तो वही सब चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई हुई है इस फिल्म में किस तरह से क्रिश्चियन हिंदू ये सभी जो लड़कियां है जो केरला से मिसिंग है और वो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सिसिया में आईएसआई के आई ट्रेनिंग के लिए भेजे जाता है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक्यूरेट वे में उन्होंने सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है जिसमें वो बखूबी काफ़ी हद तक सक्सेस हुए क्योंकि जितनी भी जिस जो चीज़ें दिखाई हुई है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की हुई है तो मेकर्स की तरफ से एक अच्छा अप्रोच देखने को मिला इस स्क्रिप्ट और फिल्म के प्रति जहाँ पे उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है उनकी इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी जिनको ये सभी चीजें नहीं पता थी उनके सामने ये सभी ट्रूथ आए जिसके चलते आने वाले समय में पेरेंट्स है या लड़की आए कि जो कोई भी जो इस कन्वर्जन वाले एंगल में फंस रहा है उसके बाद में वो आई में जाने जा, भेजा जाता है तो ये सभी चीज़ों से वो दूर रह सकते अगर कोई उनको ऐसा कोई लगे कि ये सभी चीज़ें ये आई में भेजने के लिए आतंकवादी का साथ देने के लिए करवा रहे उनका मकसद पूरा करने के लिए तो उन सभी लोगों से वो दूर रह सकते हैं फिल्म में ज़रूर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई है, है दिखा तो वहाँ पर कुछ जो ये लोग है जो पॉलिटिकल एंगल इसमें घुसा रहे हैं कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल रहे हैं इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जहाँ पे इसमें ऐसा कुछ कह रहे कि ये इस्लाम धर्म को ठेस पहुँचा ठेस पहुँच रही है तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया हुआ है उन लोगों को टारगेट किया हुआ है जो लोग ये सभी चीज़ें करते आ रहे हैं जो लड़कियों को आतंकवाद के मार्ग में ले जाने की कोशिश रहे तो उनके खिलाफ ये सभी चीजें ना कि धर्म के खिलाफ तो ये सभी चीजें लोगों को बीच में क्लियर हो जाती लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल इसमें डाला हुआ है जो पॉलिटिक्स बीच में घुसा रही है जो अलग अलग पार्टीज है वो मिलकर इस फिल्म के थ्रू अपना प्रोपोगेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो वही सब चीजों के चलते एक अलग एंगल इस फिल्म ने लिया हुआ है अदरवाइज ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म कैसी है उन्होंने इस फिल्म को बखूबी काफी सराहाया हुआ है और एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दिलवाई हुई थी काफ़ी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस या बड़े डिरेक्टर राइटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से वीकेंड हासिल किया हुआ है वो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी है किस तरह से कैसी चीज़ों को सपोर्ट करना है वो सभी चीज़ें उन्होंने उनको बखूबी पता है जिस तरह से द काश्मीर फाइल फिल्म को सपोर्ट किया गया था जिसको बॉलीवुड या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन ऑडियंस की तरफ से जो सपोर्ट मिला था उसके चलते उस फिल्म ने अपना एक मकाम हासिल किया था ठीक उसी तरह ये फिल्म भी कुछ उसी रास्ते पे चल रही है सच्चाई के रास्ते पे जहाँ पे वो आसानी से आम जनता को कनेक्ट करते हुए नज़र आते क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी चीज़ें देखनी है कौन सी चीज़ें नहीं देखनी है फिल्म को पाँच मई 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आईएमडीबी पे फिलहाल में इकतीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को जब रिलीज़ किया गया ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सियल मार्केट ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी के इर्द गिर्द थी रिलीज़ होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन इस फिल्म ने आठ करोड़ और तीन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था हालांकि ये फिल्म पहले जब स्टार्ट हुई थी तब डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी पहले एक दो शो में लेकिन उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वे में फैला है उसके बाद में नाइट के शो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चले थे जिसके चलते आठ करोड़ तीन लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के डे बाई डे शो बढ़ते गए और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा जिसके चलते अच्छा कलेक्शन किया हुआ था हालाँकि तमिलनाडु है केरला के कुछ एरियाज है वहाँ पर फिल्म प्रॉपर वे में नहीं चल रही है तमिलनाडु में खास करके गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल था लेकिन पता नहीं कोई एक दो ऐसे बीच में लोग आए हुए जो अपनी मनमानी करते हुए इस फिल्म को रिलीज नहीं करवा रहे ना पर थिएटर ओनर को वो धमकी दे रहे तब देखने वाली बात यह चीजों के ऊपर कब तक एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन मिलता है प्रॉपर फिल्म को कब तक इन सभी एरियाज में रिलीज मिलती है क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर रिलीज मिली तो ये फिल्म और भी ज्यादा लंबा रन लेगी और और कलेक्शन करेगी और लोगों के बीच में एक मैसेज का अवेयरनेस जाएगा जहां पे इस फिल्म ने दूसरे दिन ग्यारह करोड़ बाईस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है तीसरे दिन सोलह करोड़ चालीस लाख का इसके चलते इस फिल्म ने पैंतीस करोड़ पैंसठ लाख का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वहीं पे चौथे दिन जो एक टेस्ट वाला डे होता है जो जहाँ पे पता चलता है कि मंडे के दिन अगर फ्राइडे से कर, आ, करीबन पचास साठ परसेंट भी ओपनिंग ये फिल्म ले लेते मंडे के दिन चल जाते उतना कलेक्शन कर लेते तो ये फिल्म लंबा रन लेगी लेकिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले और भी ज़्यादा कलेक्शन किया वर्किंग डे होने के बावजूद दस करोड़ सात लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चार दिनों में पैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख का कलेक्शन करने में कामयाब रही वैसे देखा जाए तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ पे जो एक अवेयरनेस क्रिएट की हुई है वुमे को रिगार्डिंग एक सेफ्टी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें दिखाई हुई बताई हुई है तो इसमें कलेक्शन इतना कुछ मैटर नहीं करती है लेकिन मैं कलेक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ इससे अंदाज़ा लगेगा कि थिएटर में ये फिल्म कितनी ऑडियंस जाके देख रही है एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आठ करोड़ तीन लाख का कलेक्शन था टिकट रेट्स थोड़े हाई होते हैं पहला वीकेंड रहता है लेकिन मंडे के दिन फ्राइडे और सैटरडे संडे के मुकाबले टिकट रेट्स लो रहते हैं लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले दो सवा दो करोड़ का ज़्यादा कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आ रही है लोग इस मैसेज को कितना शेयर कर रहे हैं और जो ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की हुई है वो लोगों को ज़रूर पसंद आई है उन्होंने अप्रिसिएट किया हुई और यही सब चीज़ों की चलते इस फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीनस मिली हुई है और ये फिल्म प्रॉपर वे में थिएटर में वर्क कर रही है सभी ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा सराह रही है जहां पे द केरला स्टोरी फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिल रहा है वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए बरा बुला के भला बुरा कह रहे लेकिन वो सभी चीजें मायने नहीं रखती है ऑडियंस ने इस फिल्म को सपोर्ट दे दिया इसका मतलब ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन जरूर आगे जाके करेगी हाँ कुछ क्रिटिक्स है जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स का जाते हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पांस दिया है लेकिन जो एक रेगुलर क्रिटिक्स के या यूट्यूब के जो चैनल चलाते हैं वो उसको क्रिटिक्स के तौर पे ले या कोई ऑडियंस को तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इस वजह से आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है थिएटर में काफ़ी सारे शोज़ मिले हुए अलग अलग जगह पर तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ये एक अच्छी खासी मैसेज ओरियंटेड फिल्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा उनको भी जाने के लिए आपसे अप्रोच कीजिएगा तो वो भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखे तो एक अच्छा खासा अवेयरनेस

हिंदी के अलावा दूसरी सभी लैंग्वेज़ में डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया जाने वाला है लेकिन जिस तरह की जो कंट्रोवर्सी चल रही है जो रिलीज़ के ऊपर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तमिलनाडु में और कुछ ऐसे अलग अलग सिटीज़ में तो वो सभी चीज़ें जब शॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद में इस फिल्म को डब करके वहाँ पे भी रिलीज़ किया जाएगा इसके अलावा केरला स्टोरी के का सेटेलाइट प्रीमियर भी ज़रूर होगा लेकिन सैटेलाइट प्रीमियर के लिए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डायलॉग में चेंजेस होंगे कुछ सीक्वेंस को काटा जाएगा उसके बाद में इस फिल्म को टीवी पे भी थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीने के बाद जिस किसी भी टेलीविजन चैनल ने राइट्स लिए होंगे उनके चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को ओ टी टी के ऊपर आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा द केरला स्टोरी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी में तीन किरदारों को मुख्य वे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है केरला में और कर्नाटक में कई ऐसे एरियाज में जो एक कन्वर्जन होता है इस्लाम का में कन्वर्ट करते केरला में ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है तो उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के तक तो ठीक है उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सिरसिया में उनको आईएसआई की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आई एस आई के लिए यूज़ किया जाता है तो यही सब चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में डीप में दिखाया हुआ है जहाँ पर किस तरह से ब्रेन वॉश होता है लव जिहाद का एंगल भी इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से सभी चीज़ों को ये जो लोग इसके पीछे छुपे हुए जो ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते तो वो लोग किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते किस तरह से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाते किस तरह से बाद में उस उनको आई एस आई एस में भेजा जाता है किस तरह से वो सभी चीज़ें एज आई एस आई एस आई बन के उनके पास करवाई जाती है इसके अलावा लव जिहाद का एंगल भी दिखाया हुआ है ये सभी एंगल को डीप में हमारे सामने पेश किया हुआ है जिसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की तहे दिल से तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने बखूबी काफ़ी एक रियलिटी को हमारे सामने सेम टू तो सेम वे में दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप सेन ने जो फिल्म की कहानी है उसको सूर्यपाल सिंह सुदीप्तो सिंह और विपुल अमृतलाल लाल शाह ने मिलकर लिखी हुई है फिल्म को मीडियम टू लो बजट में ही बनाया हुआ था इस कहानी को लिखने के पीछे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट को लिया हुआ है जहाँ पे जो अलग अलग रियल इंसिडेंट घटे उसको तीन किरदारों में सेट किया हुआ है जहाँ पे एक किरदार का नाम है शालिनी एक का नाम है नीमा आसिफा गीतांजलि तो ये जो लड़कियाँ हैं उनके किरदारों में जो अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग जो घटनाएं घटी थी उनको एक करके स्टोरी बनाने के लिए एक थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए सभी किरदार सभी ये सभी घटनाएं इन तीन किरदारों के थ्रू दिखाने की कोशिश की हुई है इसके अलावा फ़िल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सनसाइन पिक्चर्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके नीचे इसको प्रोड्यूस करवाया हुआ था उन्होंने अपनी खुद की इस फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई है इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिसने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम फातिमा बह रखा जाता है योगिता बिहानी ने निमहा का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बलानी को आसिफा का रोल दिया गया था सिद्धि ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी ने सालिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा जैसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रशांत मोहपात्रा ने सिनेमाटोग्राफी की हुई है फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ये सर्टिफिकेट के पीछे बायोलेंस है जिस तरह का जो इसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है वैसे इस फिल्म में वुमन सेफ्टी के लिए ही मैसेज दिया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें घट रही है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया की लड़कियाँ सेफ रह सके तो उसमें कोई ए सर्टिफिकेट वाली बात तो नहीं है इस फिल्म का रन टाइम एक सौ अड़तीस मिनट यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट की एक फिल्म है जिसमें पूरी कहानी दिखाई हुए किस तरह से चीज़ें होती है किस तरह से इस्लाम में पहले कन्वर्ट करवाया जाता है कुछ लोगों के थ्रू और वही लोग बाद में किस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनको आई में ज्वाइन करवाते और उसके बाद में उनको उनके ट्रेनिंग दिलवाते सीरिया और वहाँ पर और उसके बाद में उनको ही यूज़ करके वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी गट्स के साथ दिखाया हुआ है ये सभी दिखाने के लिए भी गट्स है ये तो उन उन्होंने मेकर्स ने बखूबी सच्चाई को दिखाया हुआ है फिल्म को एडिट किया हुआ संजय शर्मा ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में वीरेश और विशाख ज्योति ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए सनसाइन जो पिक्चर्स है जो फिल्म का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे उन्होंने खुद इन सभी गानों को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे गाने गानों के ऊपर बातचीत करें तो कुछ एक गाने इस तरह जैसे कि एक का गा एक गाने का नाम है तू मिला एक गाने का नाम है अथी रहा राविल एक का नाम है पागल परिंदे और इस तरह से अलग अलग वजन में ये सॉरी इस तरह से तीन गानों को इस फिल्म में डाला हुआ है ये सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत है वो विपुल अमृतसाल अमृतसा ने एज़ ए क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से कर दी थी फ़िल्म के डायरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी के राइटर भी है तो वो अलग अलग केरला के एरियाज़ में गए थे वहाँ पर अलग अलग इंसिडेंट को लेते हुए उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टडी की और उसके बाद में उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जिसमें उनको काफ़ी समय लगा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में किए हुए पहले तो वैसे केरला में और कर्नाटक दो ऐसे शहर थे जहाँ पे इसकी शूटिंग हो सकती थी तो वहाँ पे उन दो राज्य में करने की कोशिश की हुई थी लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको पता ही है अभी फिल्म में फिलहाल में फिल्म रिलीज हुई उसके पीछे भी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है तो अब देखने वाली बात है कि क्या वो इस फिल्म को केरला में और कर्नाटक में शूट करने देते तो वही सब चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई हुई है इस फिल्म में किस तरह से क्रिश्चियन हिंदू ये सभी जो लड़कियां हैं जो केरला से मिसिंग है और वो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीशिया में आईएसआई के इसकी ट्रेनिंग के लिए भेजे जाता है उनको सी इस्लामिक कन्वर्ट करने के बाद तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक्यूरेट वे में उन्होंने सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है जिसमें वो बखूबी काफ़ी हद तक सक्सेस हुए क्योंकि जितनी भी जिस वो चीज़ें दिखाई हुई है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की हुई है तो मेकर्स की तरफ से एक अच्छा अप्रोच देखने को मिला इस स्क्रिप्ट और फिल्म के प्रति जहाँ पे उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है उनकी इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी जिनको ये सभी चीजें नहीं पता थी उनके सामने ये सभी त्रूथ आए जिसके चलते आने वाले समय में पेरेंट्स है या लड़की आए कि जो कोई भी है जो इस कन्वर्जन वाले एंगल में फंस रहा है उसके बाद में वो आईएसआई में जाने जा, भेजा जाता है तो ये सभी चीज़ों से वो दूर रह सकते हैं अगर कोई उनको ऐसा कोई लगे कि ये सभी चीज़ें ये आईएसआई में भेजने के लिए आतंकवादी का साथ देने के लिए करवा रहे उनका मकसद पूरा करने के लिए तो उन सभी लोगों से वो दूर रह सकते हैं फिल्म में ज़रूर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई है तो वहाँ पर कुछ जो ये लोग है जो पॉलिटिकल एंगल इसमें घुसा रहे कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल घुसार है इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जहाँ पे इसमें ऐसा कुछ कह रहे कि ये इस्लाम धर्म को ठेस पहुँचा ठेस पहुँच रही है तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया हुआ है उन लोगों को टारगेट किया हुआ है जो लोग ये सभी चीज़ें करते आ रहे हैं जो लड़कियों को आतंकवाद के मार्ग में ले जाने की कोशिश रहे, तो उनके खिलाफ ये सभी चीजें ना कि धर्म के खिलाफ तो ये सभी चीज़ें लोगों को बीच में क्लियर हो जाती लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल इसमें डाला हुआ है जो पॉलिटिक्स बीच में घुसा रही है जो अलग अलग पार्टीज है वो मिलकर इस फिल्म के थ्रू अपना प्रोपोगेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो वही सब चीज़ों के चलते एक अलग एंगल इस फिल्म ने लिया हुआ है अदरवाइज ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म कैसी है उन्होंने इस फिल्म को बखूबी काफी सराहाया हुआ है और एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दिलवाई हुई थी काफ़ी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस या बड़े डिरेक्टर राइटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से वीकेंड हासिल किया हुआ है वो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी है किस तरह से कैसी चीज़ों को सपोर्ट करना है वो सभी चीज़ें उन्होंने उनको बखूबी पता है जिस तरह से द काश्मीर फाइल फिल्म को सपोर्ट किया गया था जिसको बॉलीवुड या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ से उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन ऑडियंस की तरफ से जो सपोर्ट मिला था उसके चलते उस फिल्म ने अपना एक मकाम हासिल किया था ठीक उसी तरह ये फिल्म भी कुछ उसी रास्ते पे चल रही है सच्चाई के रास्ते पे जहाँ पे वो आसानी से आम जनता को कनेक्ट करते हुए नजर आती है क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी चीजें देखनी है कौन सी चीज़ें नहीं देखनी है फिल्म को पाँच मई 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे फिलहाल में इकतीस हजार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को जब रिलीज किया गया ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सियल मार्केट ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी के इर्द गिर्द थी रिलीज होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज किया गया तब पहले दिन इस फिल्म ने आठ करोड़ और तीन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था हालांकि ये फिल्म पहले जब स्टार्ट हुई थी तब डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी पहले एक दो शो में लेकिन उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वे में फैला है उसके बाद में नाइट के शो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चले थे जिसके चलते आठ करोड़ तीन लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के डे बाई डे शो बढ़ते गए और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा जिसके चलते अच्छा कलेक्शन किया हुआ था हालाँकि तमिलनाडु है केरला के कुछ एरियाज है वहाँ पर फिल्म प्रॉपर वे में नहीं चल रही है तमिलनाडु में खास करके गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल था लेकिन पता नहीं कोई एक दो ऐसे बीच में लोग आए हुए जो अपनी मनमानी रिलीज, मिल, रिलीज मिलती है क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर रिलीज मिली तो ये फिल्म और भी ज्यादा लंबा रन लेगी और, और कलेक्शन करेगी और लोगों के बीच में एक मैसेज का अवेयरनेस जाएगा जहां पे इस फिल्म ने दूसरे दिन ग्यारह करोड़ बाईस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है तीसरे दिन सोलह करोड़ चालीस लाख का इसके चलते इस फिल्म ने पैंतीस करोड़ पैंसठ लाख का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वहीं पर चौथे दिन जो एक टेस्ट वाला डे होता है जो जहाँ पे पता चलता है कि मंडे के दिन अगर फ्राइडे से कर, आ, करीबन पचास साहठ परसेंट भी ओपनिंग ये फिल्म ले लेते पर मंडे के दिन चल जाते उतना कलेक्शन कर लेते तो ये फिल्म लंबा रन लेगी लेकिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले और भी ज़्यादा कलेक्शन किया वर्किंग डे होने के बावजूद दस करोड़ सात लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चार दिनों में पैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख का, का कलेक्शन करने में कामयाब रही वैसे देखा जाए तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ पे जो एक अवेयरनेस क्रिएट की हुए हैं वुमन को रिगार्डिंग एक सेफ्टी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें दिखाई हुई बताई हुई है तो इसमें कलेक्शन इतना कुछ मैटर नहीं करती है लेकिन मैं कलेक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ इससे अंदाज़ा लगेगा कि थिएटर में ये फिल्म कितनी ऑडियंस जाके देख रही है एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आठ करोड़ तीन लाख का कलेक्शन था तब टिकट रेट्स थोड़े हाई होते पहला वीकेंड रहता है लेकिन मंडे के दिन फ्राइडे और सैटरडे संडे के मुकाबले टिकट ट्रेड रहते हैं लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले दो सवा दो करोड़ का ज्यादा कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि लोगों को यह फिल्म कितनी पसंद आ रही है लोग इस मैसेज को कितना शेयर कर रहे हैं और जो ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की हुई है वो लोगों को जरूर पसंद आई है उन्होंने अप्रिसिएट की और यही सब चीजों की चलते इस फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई है और ये फिल्म प्रॉपर वे में थिएटर में वर्क कर रही है सभी ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा सराहा रही है जहां पे द केरला स्टोरी फिल्म फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिल रहा है वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए बरा बुला भला बुरा कह रहे लेकिन वो सभी चीज़ें मायने नहीं रखती है ऑडियंस ने इस फिल्म को सपोर्ट दे दिया इसका मतलब ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन जरूर आगे जाके करेगी हाँ कुछ क्रिटिक्स है जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स कहे जाते हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है लेकिन जो एक रेगुलर क्रिटिक्स के या यूट्यूब के जो चैनल चलाते हैं वो उसको क्रिटिक्स के तौर पे ले या कोई ऑडियंस को तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इस वजह से आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है थिएटर में काफ़ी सारे शोज़ मिले हुए अलग अलग जगह पर तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जा इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ये एक अच्छी खासी मैसेज ओरियंटेड फिल्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा उनको भी जाने के लिए आपसे अप्रोच कीजिएगा तो वो भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखे तो एक अच्छा खासा अवेयरनेस

हिंदी के अलावा दूसरी सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया जाने वाला है लेकिन जिस तरह की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जो रिलीज़ के ऊपर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तमिलनाडु में और कुछ ऐसे अलग अलग सिटीज़ में तो वो सभी चीज़ें जब शॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद में इस फिल्म को डब करके वहां पर भी रिलीज़ किया जाएगा इसके अलावा केरला के स्टोरी का सैटेलाइट प्रीमियर भी ज़रूर होगा लेकिन सैटेलाइट प्रीमियर के लिए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डायलॉग में चेंजेस होंगे कुछ सीक्वेंस को काटा जाएगा उसके बाद में इस फिल्म को टीवी पे भी थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीने के बाद जिस किसी भी टेलीविजन चैनल ने राइट्स लिए होंगे उनके चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को ओ टी टी के ऊपर आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा द केरला स्टोरी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी में तीन किरदारों को मुख्य वे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है केरला में और कर्नाटक में कई ऐसे एरियाज में जो एक कन्वर्जन होता है इस्लाम का में कन्वर्ट करते केरला में ज्यादातर लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है तो उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के तक तो ठीक है उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ और सीरिया में उनको आईएसआई आई की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आई एस आई के लिए यूज़ किया जाता है तो यही सब चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में डीप में दिखाया हुआ है जहाँ पे किस तरह से ब्रेन वॉश होता है लव जिहाद का एंगल भी इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से इन सभी चीज़ों को ये जो लोग इसके पीछे छुपे हुए जो ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो वो लोग किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते किस तरह से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाते किस तरह से बाद में उस उनको आई एस आई एस में भेजा जाता है किस तरह से वो सभी चीज़ें एज अ आई एस आई एस आई आए बन के उनके पास करवाई जाती है इसके अलावा लव जिहाद का एंगल भी दिखाया हुआ था ये सभी एंगल को डीप में हमारे सामने पेश किया हुआ है जिसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की तहे दिल से तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने बखूबी काफी एक रियलिटी को हमारे सामने सेम टू तो सेम वे में दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने जो फिल्म की कहानी है उसको सूर्यपाल सिंह सुदीप्तो सिंह और विपुल अमृतलाल लाल शाह ने मिलकर लिखी हुई है फिल्म को मीडियम टू लो बजट में ही बनाया हुआ था इस कहानी को लिखने के पीछे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट को लिया हुआ है जहाँ पे जो अलग अलग रियल इंसिडेंट घटे उसको तीन किरदारों में सेट किया हुआ है जहाँ पे एक किरदार का नाम है सालिनी एक का नाम है नीमा आसिफा गीतांजलि तो ये जो लड़कियाँ हैं उनके किरदारों में जो अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग जो घटनाएँ घटी थी उनको एक करके स्टोरी बनाने के लिए एक थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए सभी किरदार सभी ये सभी घटनाएं इन तीन किरदारों के थ्रू दिखाने की कोशिश की हुई है इसके अलावा फ़िल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सनसाइन पिक्चर्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके नीचे इसको प्रोड्यूस करवाया हुआ था उन्होंने अपनी खुद की इस फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई है इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिसने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम फातिमा बार रखा जाता है योगिता बिहानी ने निमहा का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बलानी को आसिफा का रोल दिया गया था सिद्धि ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर सिंह ने सालिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा जैसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रशांत मोहपात्रा ने सिनेमाटोग्राफी की हुई है फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ए सर्टिफिकेट के पीछे वायोलेंस है जिस तरह का जो इसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है वैसे इस फिल्म में वुमेन सेफ्टी के लिए ही मैसेज दिया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें घट रही है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया की लड़कियां सेफ़ रह सके तो उसमें कोई ए सर्टिफिकेट वाली बात तो नहीं है इस फिल्म का रन टाइम एक सौ अड़तीस मिनट यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट की एक फ़िल्म है जिसमें पूरी कहानी दिखाई हुई है किस तरह से चीज़ें होती है किस तरह से इस्लाम में पहले कन्वर्ट करवाया जाता है कुछ लोगों के थ्रू और वही लोग बाद में किस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनको आई में ज्वाइन करवाते और उसके बाद में उनको उनके ट्रेनिंग दिलवाते सीरिया और वहाँ पर और उसके बाद में उनको ही यूज़ करके वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी गट्स के साथ दिखाया हुआ है ये सभी दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए तो उन्होंने मेकर्स ने बखूबी सच्चाई को दिखाया हुआ है फिल्म को एडिट किया हुआ है संजय शर्मा ने म्यूज़िक डिपार्टमेंट में वीरेश श्रीवल्सा और विशाख ज्योति ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए सनसाइन जो पिक्चर्स है जो फिल्म का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे उन्होंने खुद इन सभी गानों को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे गाने गानों के ऊपर बातचीत करें तो कुछ एक गाने इस तरह जैसे कि एक का गा एक गाने का नाम है तू मिला एक गाने का नाम है अथीरा राविल एक का नाम है पागल परिंदे और इस तरह से अलग अलग वजन में ये सॉरी इस तरह से तीन गानों को इस फिल्म में डाला हुआ है ये सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म की की अम्रुण साल, अम्रुण के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो विपुल अमृत अमृतसा ने एज़ ए क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से कर दी थी फिल्म के डायरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी के राइटर भी है तो वो अलग अलग केरला के एरियाज में गए थे वहाँ पर अलग अलग इंसिडेंट को लेते हुए उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टडी की और उसके बाद में उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जिसमें उनको काफ़ी समय लगा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी अलग लोकेशंस में की हुई पहले तो वैसे केरला में और कर्नाटक दो ऐसे शहर थे जहाँ पे इसकी शूटिंग हो सकती थी तो वहाँ पे उन दो राज्यों में करने की कोशिश की हुई थी लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको भी पता ही है अभी फिल्म में फिलहाल में फिल्म रिलीज हुई उसके पीछे भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है तो अब देखने वाली बात है कि क्या वो इस फिल्म को केरला में और कर्नाटक में शूट करने देते तो वही सब चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई हुई है इस फिल्म में किस तरह से क्रिश्चियन हिंदू ये सभी जो लड़कियाँ हैं जो केरला से मिसिंग है और वो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीसिया में आई एस आई के इसकी ट्रेनिंग के लिए भेजे जाता है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक्यूरेट वे में उन्होंने सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है जिसमें वो बखूबी काफ़ी हद तक सक्सेस हुए क्योंकि जितनी भी जिस वो चीज़ें दिखाई हुई है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की हुई है तो मेकर्स की तरफ से एक अच्छा अप्रोच देखने को मिला है इस स्क्रिप्ट और फिल्म के प्रति जहाँ पर उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है उनकी इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी जिनको ये सभी चीज़ें नहीं पता थी उनके सामने ये सभी ट्रूथ आए जिसके चलते आने वाले समय में पेरेंट्स है या लड़कियाँ कि जो कोई भी है जो इस कन्वर्जन वाले एंगल में फंस रहा है उसके बाद में वो आईएसआई में जाने भेजा जाता है तो ये सभी चीज़ों से वो दूर रह सकते हैं अगर कोई उनको ऐसा कोई लगे कि ये सभी चीजें ये आईएसआई में भेजने के लिए आतंकवादी का साथ देने के लिए करवा रहे उनका मकसद पूरा करने के लिए तो उन सभी लोगों से वो दूर रह सकते फिल्म में ज़रूर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई है तो वहाँ पे वो कुछ जो ये लोग है जो पॉलिटिकल एंगल इसमें घुसा रहे कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल घुसा रहे इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जहाँ पे इसमें ऐसा कुछ कह रहे कि ये इस्लाम धर्म को ठेस पहुँचा ठेस पहुँच रही है तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया हुआ है उन लोगों को टारगेट किया हुआ है जो लोग ये सभी चीज़ें करते आ रहे जो लड़कियों को आतंकवाद के मार्ग में ले जाने की कोशिश कर रहे तो उनके खिलाफ ये सभी चीज़ें ना कि धर्म के खिलाफ तो ये सभी चीज़ें लोगों को बीच में क्लियर हो जाती है लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल इसमें डाला हुआ है जो पॉलिटिक्स बीच में घुसा रही है जो अलग अलग पार्टीज है वो मिलकर इस फिल्म के थ्रू अपना प्रोपोगंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो वही सब चीज़ों के चलते एक अलग एंगल इस फिल्म ने लिया हुआ है अदरवाइज़ ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म कैसी है उन्होंने इस फिल्म को बखूबी काफ़ी सराहाया हुआ है और एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दिलवाई हुई थी काफ़ी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस या बड़े डरेक्टर राइटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से वीकेंड हासिल किया हुआ है वो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी है किस तरह से कैसी चीज़ों को सपोर्ट करना है वो सभी चीज़ें उन्होंने उनको बखूबी पता है जिस तरह से द काश्मीर फाइल फिल्म को सपोर्ट किया गया था जिसको बॉलीवुड या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ से उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन ऑडियंस की तरफ से जो सपोर्ट मिला था उसके चलते उस फिल्म ने अपना एक मकाम हासिल किया था ठीक उसी तरह ये फिल्म भी कुछ उसी रास्ते पे चल रही है सच्चाई के रास्ते पे जहाँ पे वो आसानी से आम जनता को कनेक्ट करते हुए नजर आती है क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी चीजें देखनी है कौन सी चीजें नहीं देखनी है फिल्म को पाँच मई 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे फिलहाल में इकतीस हजार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को जब रिलीज किया गया ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सियल मार्केट ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी के इर्द गिर्द थी रिलीज होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज किया गया तब पहले दिन इस फिल्म ने आठ करोड़ और तीन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था हालांकि ये फिल्म पहले जब स्टार्ट हुई थी तब डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी पहले एक दो शो में लेकिन उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वे में फैला है उसके बाद में नाइट के शो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चले थे जिसके चलते आठ करोड़ तीन लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के डे बाई डे शो बढ़ते गए और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा जिसके चलते अच्छा कलेक्शन किया हुआ था हालाँकि तमिलनाडु है केरला के कुछ एरियाज़ है वहाँ पर फिल्म प्रॉपर वे में नहीं चल रही है तमिलनाडु में खास करके गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल था लेकिन पता नहीं कोई एक दो ऐसे बीच में लोग आए हुए जो अपनी मनमानी करते हुए इस फिल्म को रिलीज नहीं करवा रहे ना थिएटर ओनर को वो धमकी दे रहे तब देखने वाली बात ये कि इन सभी चीजों के ऊपर कब तक एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन मिल, मिलता है प्रॉपर फिल्म को कब तक इन सभी एरियाज में रिलीज मिलती है क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर रिलीज मिली तो ये फिल्म और भी ज्यादा लंबा रन लेगी और और कलेक्शन करेगी और लोगों के बीच में एक मैसेज का अवेयरनेस जाएगा जहां पे इस फिल्म ने दूसरे दिन ग्यारह करोड़ बाईस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है तीसरे दिन सोलह करोड़ चालीस लाख का इसके चलते इस फिल्म ने पैंतीस करोड़ पैंसठ लाख का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वहीं पर चौथे दिन जो एक टेस्ट वाला डे होता है जो जहाँ पे पता चलता है कि मंडे के दिन अगर फ्राइडे से कर, आ, करीबन पचास साठ परसेंट भी ओपनिंग ये फिल्म ले लेते पर मंडे के दिन चल जाते उतना कलेक्शन कर लेते तो ये फिल्म लंबा रन लेगी लेकिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले और भी ज़्यादा कलेक्शन किया वर्किंग डे होने के बावजूद दस करोड़ सात लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चार दिनों में पैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख का कलेक्शन करने में कामयाब रही वैसे देखा जाए तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ पे जो एक अवेयरनेस क्रिएट किए हुए वूमन को रिगार्डिंग एक सेफ्टी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें दिखाई हुई बताई हुई है तो इसमें कलेक्शन इतना कुछ मैटर नहीं करती है लेकिन मैं कलेक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ इससे अंदाज़ा लगेगा कि थिएटर में ये फिल्म कितनी ऑडियंस जाके देख रही है एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आठ करोड़ तीन लाख का कलेक्शन था तब टिकट रेट्स थोड़े हाई होते हैं पहला वीकेंड रहता है लेकिन मंडे के दिन फ्राइडे और सैटरडे संडे के मुकाबले टिकट रेट्स लो रहते हैं लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले दो सवा दो करोड़ का ज़्यादा कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इससे अंदाज़ा लगेगा कि लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आ रही है लोग इस मैसेज को कितना शेयर कर रहे हैं और जो ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की हुई है वो लोगों को ज़रूर पसंद आई है उन्होंने अप्रिसिएट की और यही सब चीज़ों की चलते इस फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीनस मिली हुई है और ये फिल्म प्रॉपर वे में थिएटर में वर्क कर रही है सभी ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा सराह रही है जहां पे द केरला स्टोरी फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिल रहा है वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए बरा बुला के भला बुरा कह रहे लेकिन वो सभी चीज़ें मायने नहीं रखती है ऑडियंस ने इस फिल्म को सपोर्ट दे दिया इसका मतलब ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन ज़रूर आगे जाके करेगी हाँ कुछ क्रिटिक्स है जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स कहे जाते हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है लेकिन जो एक रेगुलर क्रिटिक्स के या यूट्यूब के जो चैनल चलाते हैं वो उसको क्रिटिक्स के तौर पे ले या कोई ऑडियंस को तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इस वजह से आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है थिएटर में काफ़ी सारे शोज़ मिले हुए अलग अलग जगह पर तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ये एक अच्छी खासी मैसेज ओरियंटेड फिल्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा उनको भी जाने के लिए आपसे अप्रोच कीजिएगा तो वो भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखे तो एक अच्छा खासा अवेयरनेस के जाएगा। जहां पे के इस फिल्म को के दो एक महीने के बाद शायद प्रीमेर विध सब्सक्रिप्शन लेकिन अब कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने रा, राइट्स लिए उसके ऊपर डिटेल नहीं मिली है आने वाले समय में सभी चीजें पता चलेगी जब ये सभी चीजें होगी तो फिल्म को हिंदी मलयालम तमिल तेलुगु ये सभी वर्जन में ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी के अलावा दूसरी सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया जाने वाला है लेकिन जिस तरह की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जो रिलीज़ के ऊपर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तमिलनाडु में और कुछ ऐसे अलग अलग सिटीज़ में तो वो सभी चीज़ें जब शॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद में इस फिल्म को डब करके वहां पे भी रिलीज किया जाएगा इसके अलावा केरला के स्टोरी का सैटेलाइट प्रीमियर भी ज़रूर होगा लेकिन सैटेलाइट प्रीमियर के लिए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डायलॉग में चेंजेस होंगे कुछ सीक्वेंस को काटा जाएगा उसके बाद में इस फिल्म को टीवी पे भी थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीने के बाद जिस किसी भी टेलीविजन चैनल ने राइट्स लिए होंगे उनके चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को ओ टी टी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा द केरला स्टोरी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी में तीन किरदारों को मुख्य वे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है केरला में और कर्नाटक में कई ऐसे एरियाज में जो एक कन्वर्जन होता है इस्लाम का में कन्वर्ट करते केरला में ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है तो उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के तक तो ठीक है उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया में उनको आईएसआई की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आई एस आई के लिए यूज़ किया जाता है तो यही सब चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में डीप में दिखाया हुआ है जहाँ पर किस तरह से ब्रेन वॉश होता है लव जिहाद का एंगल भी इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से सभी चीज़ों को ये जो लोग इसके पीछे छुपे हुए जो ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते तो वो लोग किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते किस तरह से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाते किस तरह से बाद में उस उनको आई एस आई एस में भेजा जाता है किस तरह से वो सभी चीज़ें एज आई एस आई एस आई आए बन के उनके पास करवाई जाती है इसके अलावा लव जिहाद का एंगल भी दिखाया हुआ था ये सभी एंगल को डीप में हमारे सामने पेश किया हुआ है जिसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की तहे दिल से तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने बखूबी काफ़ी एक रियलिटी को हमारे सामने सेम टू तो सेम वे में दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप दोष तो सेन ने जो फिल्म की कहानी है उसको सूर्यपाल सिंह सुदीप्तो सिंह और विपुल अमृतलाल लाल शाह ने मिलकर लिखी हुई है फिल्म को मीडियम टू लो बजट में ही बनाया हुआ था इस कहानी को लिखने के पीछे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट को लिया हुआ है जहाँ पे जो अलग अलग रियल इंसिडेंट घटे उसको तीन किरदारों में सेट किया हुआ है जहाँ पे एक किरदार का नाम है सालिनी एक का नाम है नीमा आसिफा गीतांजलि तो ये जो लड़कियाँ हैं उनके किरदारों में जो अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग जो घटनाएँ घटी थी उनको एक करके एक स्टोरी बनाने के लिए एक थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए सभी किरदार सभी ये सभी घटनाएं इन तीन किरदारों के थ्रू दिखाने की कोशिश की हुई है इसके अलावा फ़िल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सनसाइन पिक्चर्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके नीचे इसको प्रोड्यूस करवाया हुआ था उन्होंने अपने खुद की इस फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई है इसके अलावा फिल्म की कास्ट अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिसने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम फातिमा बार रखा जाता है योगिता बिहानी ने निम का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बलानी को आसिफा का रोल दिया गया था सिद्धि नानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्सिन्ह ने शालिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विजय कृष्णा प्रणय पंचोरी प्रणव मिश्रा जैसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रशांत तो मोहपात्रा ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ये सर्टिफिकेट के पीछे वायोलेंस है जिस तरह का जो इसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है वैसे इस फिल्म में वुमन सेफ्टी के लिए ही मैसेज दिया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें घट रही है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया की लड़कियाँ सेफ रह सके तो उसमें कोई ए सर्टिफिकेट वाली बात तो नहीं है इस फिल्म का रन टाइम एक मिनट यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट की एक फिल्म है जिसमें पूरी कहानी दिखाई हुए किस तरह से चीज़ें होती है किस तरह से इस्लाम में पहले कन्वर्ट करवाया जाता है कुछ लोगों के थ्रू और वही लोग बाद में किस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनको आई में ज्वाइन करवाते और उसके बाद में उनको उनके ट्रेनिंग दिलवाते सीरिया और वहाँ पर और उसके बाद में उनको ही यूज़ करके वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते तो ये कुछ ऐसी चीज़ें है जिसको इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी गट्स के साथ दिखाया हुआ है ये सभी दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए तो उन उन्होंने मेकर्स ने, ने बखूबी सच्चाई को दिखाया हुआ है फिल्म को एडिट किया हुआ संजय शर्मा ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में वीरेश श्रीवल्सा और विशाख ज्योति ने काम किया हुआ है जहां पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए सनसाइन जो पिक्चर्स है जो फिल्म का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहां पे उन्होंने खुद इन सभी गानों को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे गाने गानों के ऊपर बातचीत करें तो कुछ एक गाने इस तरह जैसे कि एक का गाने, एक गाने का नाम है तू मिला एक गाने का नाम है अथी राविल एक का नाम है पागल परिंदे और इस तरह से अलग अलग वर्जन में ये सॉरी इस तरह से तीन गानों को इस फिल्म में डाला हुआ है ये सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म की की अम्रुण साल, अम्रुण साल के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो विपुल अमृतसाल अमृतसा ने एज़ ए क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से कर दी थी फ़िल्म के डायरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी के राइटर भी है तो वो अलग अलग केरला के एरियाज में गए थे वहाँ पर अलग अलग इंसिडेंट को लेते हुए उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टडी की और उसके बाद में उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जिसमें उनको काफ़ी समय लगा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में किए हुए पहले तो वैसे केरला में और कर्नाटक दो ऐसे शहर थे जहाँ पे इसकी शूटिंग हो सकती थी तो वहाँ पे उन दो राज्य में करने की कोशिश की हुई थी लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको पता ही है अभी फिल्म में फिलहाल में फिल्म रिलीज़ हुई उसके पीछे भी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है तो अब देखने वाली बात है कि क्या वो इस फिल्म को केरला में और कर्नाटक में शूट करने देते तो वही सब चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई हुई है इस फिल्म में किस तरह से क्रिश्चियन हिंदू ये सभी जो लड़कियां हैं जो केरला से मिसिंग है और वो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीशिया में आईएसआई एस आई के इसकी ट्रेनिंग के लिए भेजे जाता है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक्यूरेट वे में उन्होंने सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है जिसमें वो बखूबी काफ़ी हद तक सक्सेस हुए क्योंकि जितनी भी जिस जो वो चीज़ें दिखाई हुई है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाने को की कोशिश की हुई है तो मेकर्स की तरफ से एक अच्छा अप्रोच देखने को मिला इस स्क्रिप्ट और फिल्म के प्रति जहाँ पे उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है उनकी इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी जिनको ये सभी चीजें नहीं पता थी उनके सामने ये सभी ट्रूथ आए जिसके चलते आने वाले समय में पेरेंट्स है या लड़कियां आए कि जो कोई भी है जो इस कन्वर्जन वाले एंगल में फंस रहा है उसके बाद में वो आईएसआई में जाने जा, भेजा जाता है तो ये सभी चीज़ों से वो दूर रह सकते अगर कोई उनको ऐसा कोई लगे कि ये सभी चीज़ें ये आईएसआई में भेजने के लिए आतंकवादी का साथ देने के लिए करवा रहे उनका मकसद पूरा करने के लिए तो उन सभी लोगों से वो दूर रह सकते फिल्म में ज़रूर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई है तो वहाँ पर कुछ जो ये लोग है जो पॉलिटिकल एंगल इसमें घुसा रहे कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल घुसा रहे इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जहाँ पे इसमें ऐसा कुछ कह रहे कि ये इस्लाम धर्म को ठेस पहुँचा ठेस पहुँच रही है तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया हुआ है उन लोगों को टारगेट किया हुआ है जो लोग ये सभी चीज़ें करते आ रहे हैं जो लड़कियों को आतंकवाद के मार्ग में ले जाने की कोशिश रहे तो उनके खिलाफ ये सभी चीजें ना कि धर्म के खिलाफ तो ये सभी चीजें लोगों को बीच में क्लियर हो जाती लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल इसमें डाला हुआ है जो पॉलिटिक्स बीच में घुसा रही है जो अलग अलग पार्टीज है वो मिलकर इस फिल्म के थ्रू अपना प्रोपोगेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो वही सब चीज़ों के चलते एक अलग एंगल इस फिल्म ने लिया हुआ है अदरवाइज ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म कैसी है उन्होंने इस फिल्म को बखूबी काफी सराहाया हुआ है और एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दिलवाई हुई थी काफ़ी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस या बड़े डिरेक्टर राइटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से वीकेंड हासिल किया हुआ है वो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी है किस तरह से कैसी चीज़ों को सपोर्ट करना है वो सभी चीज़ें उन्होंने उनको बखूबी पता है जिस तरह से द काश्मीर फाइल फिल्म को सपोर्ट किया गया था जिसको बॉलीवुड या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ से उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन ऑडियंस की तरफ से जो जो सपोर्ट मिला था उसके चलते उस फिल्म ने अपना एक मकाम हासिल किया था ठीक उसी तरह ये फिल्म भी कुछ उसी रास्ते पे चल रही है सच्चाई के रास्ते पे जहाँ पे वो आसानी से आम जनता को कनेक्ट करते हुए नजर आती है क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी चीजें देखनी है कौन सी चीज़ें नहीं देखनी है फिल्म को पाँच मई 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आईएमडीबी पे फिलहाल में इकतीस हजार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को जब रिलीज किया गया ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सियल मार्केट ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी के इर्द गिर्द थी रिलीज होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज किया गया तब पहले दिन इस फिल्म ने आठ करोड़ और तीन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था हालांकि ये फिल्म पहले जब स्टार्ट हुई थी तब डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी पहले एक दो शो में लेकिन उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वे में फैला है उसके बाद में नाइट के शो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चले थे जिसके चलते आठ करोड़ तीन लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के डे बाई डे शो बढ़ते गए और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा जिसके चलते अच्छा कलेक्शन किया हुआ था हालाँकि तमिलनाडु है केरला के कुछ एरियाज़ है वहाँ पर फ़िल्म प्रॉपर वे में नहीं चल रही है तमिलनाडु में खास करके गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल था लेकिन पता नहीं कोई एक दो ऐसे बीच में लोग आए हुए जो अपनी मनमानी करते हुए इस फिल्म को रिलीज नहीं करवा रहे ना थिएटर ओनर को वो धमकी दे रहे तब देखने वाली बात यह कब तक एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन मिलता है प्रॉपर फिल्म को कब तक इन सभी एरियाज में रिलीज मिलती है क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर रिलीज मिली तो ये फिल्म और भी ज्यादा लंबा रन लेगी और और कलेक्शन करेगी और लोगों के बीच में एक मैसेज का अवेयरनेस जाएगा जहां पे इस फिल्म ने दूसरे दिन ग्यारह करोड़ बाईस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है तीसरे दिन सोलह करोड़ चालीस लाख का इसके चलते इस फिल्म ने पैंतीस करोड़ पैंसठ लाख का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वहीं पर चौथे दिन जो एक टेस्ट वाला डे होता है जो जहाँ पे पता चलता है कि मंडे के दिन अगर फ्राइडे से कर, आ, करीबन पचास साहठ परसेंट भी ओपनिंग ये फिल्म ले लेते पर मंडे के दिन चल जाते उतना कलेक्शन कर ले तो ये फिल्म लंबा रन लेगी लेकिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले और भी ज़्यादा कलेक्शन किया वर्किंग डे होने के बावजूद दस करोड़ सात लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चार दिनों में पैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख का कलेक्शन करने में कामयाब रही वैसे देखा जाए तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ पे जो एक अवेयरनेस क्रिएट की हुई है वुमन के रिगार्डिंग एक सेफ्टी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें दिखाई हुई बताई हुई है तो इसमें कलेक्शन इतना कुछ मैटर नहीं करती है लेकिन मैं कलेक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ इससे अंदाज़ा लगेगा कि थिएटर में ये फिल्म कितनी ऑडियंस जाके देख रही है एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आठ करोड़ तीन लाख का कलेक्शन था तब टिकट रेट्स थोड़े हाई होते हैं पहला वीकेंड रहता है लेकिन मंडे के दिन फ्राइडे और सैटरडे संडे के मुकाबले की ट्रेड्स लो रहते लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले दो सवा दो करोड़ का ज्यादा कलेक्शन करके दिखाया हुआ है तो इससे अंदाजा लगेगा कि लोगों को यह फिल्म कितनी पसंद आ रही है लोग इस मैसेज को कितना शेयर कर रहे हैं और जो ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की हुई है वो लोगों को जरूर पसंद आई है उन्होंने अप्रिसिएट किया और यही सब चीजों के चलते इस फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई है और ये फिल्म प्रॉपर वे में थिएटर में वर्क कर रही है सभी ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा सराहा रही है जहां पे द केरला स्टोरी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिल रहा है वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए बरा बुला के भला बुरा कह रहे लेकिन वो सभी चीज़ें मायने नहीं रखती है ऑडियंस ने इस फिल्म को सपोर्ट दे दिया इसका मतलब ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन ज़रूर आगे जाके करेगी हाँ कुछ क्रिटिक्स है जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स कहे जाते हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है लेकिन जो एक रेगुलर क्रिटिक्स के या यूट्यूब के जो चैनल चलाते हैं वो उसको क्रिटिक्स के तौर पे ले या कोई ऑडियंस को तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस है तो इस वजह से आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है थिएटर में काफ़ी सारे शोज़ मिले हुए अलग अलग जगह पे तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ये एक अच्छी खासी मैसेज और फिल्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा उनको भी जाने के लिए आपसे अप्रोच कीजिएगा तो वो भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखे तो एक अच्छा खासा अवेयर के जाएगा। जहां पे के इस फिल्म को के दो एक महीने के बाद शायद प्रीमियर विध इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन लेकिन अब कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने रा, राइट्स लिए उसके ऊपर डिटेल नहीं मिली है आने वाले समय में सभी चीजें पता चलेगी जब ये सभी चीजें होगी तो फिल्म को हिंदी मलयालम तमिल तेलुगु ये सभी वर्जन में ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी के अलावा दूसरी सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया जाने वाला है लेकिन जिस तरह की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जो रिलीज़ के ऊपर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तमिलनाडु में और कुछ ऐसे अलग अलग सिटीज़ में तो वो सभी चीज़ें जब शॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद में इस फिल्म को डब करके वहां पे भी रिलीज़ किया जाएगा इसके अलावा केरला के स्टोरी का सैटेलाइट प्रीमियर भी ज़रूर होगा लेकिन सैटेलाइट प्रीमियर के लिए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डायलॉग में चेंजेस होंगे कुछ सीक्वेंस को काटा जाएगा उसके बाद में इस फिल्म को टीवी पे भी थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीने के बाद जिस किसी भी टेलीविजन चैनल ने राइट्स लिए होंगे उनके चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को ओ टी टी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा द केरला स्टोरी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी में तीन किरदारों को मुख्य वे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है केरला में और कर्नाटक में कई ऐसे एरियाज में जो एक कन्वर्जन होता है इस्लाम का में कन्वर्ट करते केरला में ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है तो उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के तक तो ठीक है उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ और सीरिया में उनको आईएसआई की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आई एस आई के लिए यूज़ किया जाता है तो यही सब चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में डीप में दिखाया हुआ है जहाँ पे किस तरह से ब्रेन वॉश होता है लव जिहाद का एंगल भी इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से इन सभी चीज़ों को ये जो लोग इसके पीछे छुपे हुए जो ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो वो लोग किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते किस तरह से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाते किस तरह से बाद में उस उनको आई एस आई एस में भेजा जाता है किस तरह से वो सभी चीज़ें एज आई एस आई एस आई बन के उनके पास करवाई जाती है इसके अलावा लव जिहाद का एंगल भी दिखाया हुआ है ये सभी एंगल को डीप में हमारे सामने पेश किया हुआ है जिसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की तहे दिल से तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने बखूबी काफी एक रियलिटी को हमारे सामने सेम टू तो सेम वे में दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने जो फिल्म की कहानी है उसको सूर्यपाल सिंह सुदीप्तो सिंह और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर लिखी हुई है फिल्म को मीडियम टू लो बजट में ही बनाया हुआ था इस कहानी को लिखने के पीछे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट को लिया हुआ है जहाँ पे जो अलग अलग रियल इंसिडेंट घटे उसको तीन किरदारों में सेट किया हुआ है जहाँ पे एक दर का नाम है सालिनी एक का नाम है नीमा आसिफा गीतांजलि तो ये जो लड़कियाँ हैं उनके किरदारों में जो अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग जो घटनाएँ घटी थी उनको एक करके एक स्टोरी बनाने के लिए एक थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए सभी किरदार सभी ये सभी घटनाएं इन तीन किरदारों के थ्रू दिखाने की कोशिश की हुई है इसके अलावा फ़िल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सनसाइन पिक्चर्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके नीचे इसको प्रोड्यूस करवाया हुआ था उन्होंने अपनी खुद की इस फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई है इसके अलावा फिल्म की कास्ट अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिसने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम फातिमा बह रखा जाता है योगिता बिहानी ने निमहा का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बलानी को आसिफा का रोल दिया गया था सिद्धि ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्सिनी ने सालिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विजय कृष्णा प्रणय पंचोरी प्रणव मिश्रा जैसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रशांत मोहपात्रा ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ए सर्टिफिकेट के पीछे वायोलेंस है जिस तरह का जो इसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है वैसे इस फिल्म में वुमन सेफ्टी के लिए ही मैसेज दिया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें घट रही है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया की लड़कियां सेफ़ रह सके तो उसमें कोई ए सर्टिफिकेट वाली बात तो नहीं है इस फिल्म का रन टाइम एक सौ अड़तीस मिनट यानी कि दो घंटे अठारह मिनट की एक फ़िल्म है जिसमें पूरी कहानी दिखाई हुई है किस तरह से चीज़ें होती है किस तरह से इस्लाम में पहले कन्वर्ट करवाए जाते है कुछ लोगों के थ्रू और वही लोग बाद में किस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनको आई एस आई एस में ज्वाइन करवाते और उसके बाद में उनको उनके ट्रेनिंग दिलवाते सीरिया और वहाँ पर और उसके बाद में उनको ही यूज़ करके वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते तो ये कुछ ऐसी चीज़ें है जिसको इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी गट्स के साथ दिखाया हुआ है ये सभी दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए तो उन्होंने मेकर्स ने बखूबी सच्चाई को दिखाया हुआ है फिल्म को एडिट किया हुआ संजय शर्मा ने म्यूज़िक डिपार्टमेंट में वीरेश श्रीवल्सा और विशाख ज्योति ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए सनसाइन जो पिक्चर्स है जो फिल्म का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे उन्होंने खुद इन सभी गानों को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे गाने गानों के ऊपर बातचीत करें तो कुछ एक गाने इस तरह जैसे कि एक का गाने एक गाने का नाम है तू मिला एक गाने का नाम है अथी राविल एक का नाम है पागल परिंदे और इस तरह से अलग अलग वज़न में ये सॉरी इस तरह से तीन गानों को इस फिल्म में डाला हुआ है ये सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म की की अम्रुण साल, अम्रुण के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो विपुल अमृतसाल शाह ने एज़ ए क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से कर दी थी फिल्म के डायरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी के राइटर भी है तो वो अलग अलग केरला के एरियाज में गए थे वहाँ पर अलग अलग इंसिडेंट को लेते हुए उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टडी की और उसके बाद में उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जिसमें उनको काफ़ी समय लगा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी अलग लोकेशन में की हुई पहले तो वैसे केरला में और कर्नाटक दो ऐसे शहर थे जहाँ पे इसकी शूटिंग हो सकती थी तो वहाँ पे उन दो राज्यों में करने की कोशिश की हुई थी लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको ये पता ही है अभी फिल्म में फिलहाल में फिल्म रिलीज हुई उसके पीछे भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है तो अब देखने वाली बात ये कि क्या वो इस फिल्म को केरला में और कर्नाटक में शूट करने देते तो वही सब चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई हुई है इस फिल्म में किस तरह से क्रिश्चियन हिंदू ये सभी जो लड़कियाँ हैं जो केरला से मिसिंग है और वो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ और सीशिया में आई एस आई के इसके ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक्यूरेट वे में उन्होंने सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है जिसमें वो बखूबी काफ़ी हद तक सक्सेस हुए क्योंकि जितनी भी जिस वो चीज़ें दिखाई हुई है उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की हुई है तो मेकर्स की तरफ से एक अच्छा अप्रोच देखने को मिला है इस स्क्रिप्ट और फिल्म के प्रति जहाँ पर उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है उनकी इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी जिनको ये सभी चीज़ें नहीं पता थी उनके सामने ये सभी ट्रूथ आए जिसके चलते आने वाले समय में पेरेंट्स है या लड़की आए कि जो कोई भी जो इस कन्वर्जन वाले एंगल में फंस रहा है उसके बाद में वो आईएसआई में जाने भेजा जाता है तो ये सभी चीज़ों से वो दूर रह सकते हैं अगर कोई उनको ऐसा कोई लगे कि ये सभी चीजें ये आईएसआई में भेजने के लिए आतंकवादी का साथ देने के लिए करवा रहे उनका मकसद पूरा करने के लिए तो उन सभी लोगों से वो दूर रह सकते फिल्म में ज़रूर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई है तो वहाँ पर कुछ जो ये लोग है जो पॉलिटिकल एंगल इसमें घुसा रहे हैं कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल घुसा रहे हैं इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जहाँ पे इसमें ऐसा कुछ कह रहे कि ये इस्लाम धर्म को ठेस पहुँचा ठेस पहुँच रही है तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया हुआ है उन लोगों को टारगेट किया हुआ है जो लोग ये सभी चीज़ें करते आ रहे हैं जो लड़कियों को आतंकवाद के मार्ग में ले जाने की कोशिश रहे तो उनके खिलाफ ये सभी चीजें ना कि धर्म के खिलाफ तो ये सभी चीजें लोगों को बीच में क्लियर हो जाती है लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल इसमें डाला हुआ है जो पॉलिटिक्स बीच में घुसा रही है जो अलग अलग पार्टीज है वो मिलकर इस फिल्म के थ्रू अपना प्रोपोगंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो वही सब चीज़ों के चलते एक अलग एंगल इस फिल्म ने लिया हुआ है अदरवाइज ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म कैसी है उन्होंने इस फिल्म को बखूबी काफी सराहाया हुआ है और एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दिलवाई हुई थी काफ़ी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस या बड़े डिरेक्टर राइटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से वीकेंड हासिल किया हुआ है वो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी है किस तरह से कैसी चीज़ों को सपोर्ट करना है वो सभी चीज़ें उन्होंने उनको बखूबी पता है जिस तरह से द काश्मीर फाइल फिल्म को सपोर्ट किया गया था जिसको बॉलीवुड या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ से उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन ऑडियंस की तरफ से जो सपोर्ट मिला था उसके चलते उस फिल्म ने अपना एक मकाम हासिल किया था ठीक उसी तरह ये फिल्म भी कुछ उसी रास्ते पे चल रही है सच्चाई के रास्ते पे जहां पे वो आसानी से आम जनता को कनेक्ट करते हुए नजर आते क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी चीजें देखनी है कौन सी चीजें नहीं देखनी है फिल्म को पाँच मई 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आईएमडीबी पे फिलहाल में इकतीस हजार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को जब रिलीज किया गया ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सियल मार्केट ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी के इर्द गिर्द थी रिलीज होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज किया गया तब पहले दिन इस फिल्म ने आठ करोड़ और तीन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था हालांकि ये फिल्म पहले जब स्टार्ट हुई थी तब डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी पहले एक दो शो में लेकिन उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वे में फैला है उसके बाद में नाइट के शो काफ़ी ज्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चले थे जिसके चलते आठ करोड़ तीन लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के डे बाई डे शो बढ़ते गए और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा जिसके चलते अच्छा कलेक्शन किया हुआ था हालाँकि तमिलनाडु है केरला के कुछ एरियाज है वहाँ पर फिल्म प्रॉपर वे में नहीं चल रही है तमिलनाडु में खास करके गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल था लेकिन पता नहीं कोई एक दो ऐसे बीच में लोग आए हुए जो अपनी मनमानी करते हुए इस फिल्म को रिलीज नहीं करवा रहे ना थिएटर ओनर को वो धमकी दे रहे तब देखने वाली बात यह चीजों के ऊपर कब तक एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन मिल, मिलता है प्रॉपर फिल्म को कब तक इन सभी एरियाज में रिलीज मिलती है क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर रिलीज मिली तो ये फिल्म और भी ज्यादा लंबा रन लेगी और और कलेक्शन करेगी और लोगों के बीच में एक मैसेज का अवेयरनेस जाएगा जहां पे इस फिल्म ने दूसरे दिन ग्यारह करोड़ बाईस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है तीसरे दिन सोलह करोड़ चालीस लाख का इसके चलते इस फिल्म ने पैंतीस करोड़ पैंसठ लाख का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वहीं पे चौथे दिन जो एक टेस्ट वाला डे होता है जो जहाँ पे पता चलता है कि मंडे के दिन अगर फ्राइडे से कर, आ, करीबन पचास साठ परसेंट भी ओपनिंग ये फिल्म ले लेते मंडे के दिन चल जाते उतना कलेक्शन कर लेते तो ये फिल्म लंबा रन लेगी लेकिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले और भी ज़्यादा कलेक्शन किया वर्किंग डे होने के बावजूद दस करोड़ सात लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से चार दिनों में पैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख का कलेक्शन करने में कामयाब रही वैसे देखा जाए तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ पे जो एक अवेयरनेस क्रिएट की हुई है वुमन के रिगार्डिंग एक सेफ्टी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें दिखाई हुई बताई हुई है तो इसमें कलेक्शन इतना कुछ मैटर नहीं करती है लेकिन मैं कलेक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ इससे अंदाज़ा लगेगा कि थिएटर में ये फिल्म कितनी ऑडियंस जाके देख रही है एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आठ करोड़ तीन लाख का कलेक्शन था तब टिकट रेट्स थोड़े हाई होते हैं पहला वीकेंड रहता है लेकिन मंडे के दिन फ्राइडे और सैटरडे संडे के मुकाबले टिकट रेट्स लो रहते हैं लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले दो सवा दो करोड़ का ज़्यादा कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इससे अंदाज़ा लगेगा कि लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आ रही है लोग इस मैसेज को कितना शेयर कर रहे हैं और जो ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की हुई है वो लोगों को ज़रूर पसंद आई है उन्होंने अप्रिसट किया और यही सब चीज़ों की चलते इस फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीनस मिली हुई है और ये फिल्म प्रॉपर वे में थिएटर में वर्क कर रही है सभी ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा सराह रही है जहाँ पे द केरला स्टोरी फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिल रहा है वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए बड़ा बुला के भला बुरा कह रहे लेकिन वो सभी चीज़ें मायने नहीं रखती ऑडियंस ने इस फिल्म को सपोर्ट दे दिया इसका मतलब ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन जरूर आगे जाके करेगी हाँ कुछ क्रिटिक्स है जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स कहे जाते हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है लेकिन जो एक रेगुलर क्रिटिक्स के या यूट्यूब के जो चैनल चलाते हैं वो उसको क्रिटिक्स के तौर पे ले या कोई ऑडियंस को तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इस वजह से आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है थिएटर में काफ़ी सारे शोज़ मिले हुए अलग अलग जगह पर तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ये एक अच्छी खासी मैसेज ओरियंटेड फिल्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा उनको भी जाने के लिए आपसे अप्रोच कीजिएगा तो वो भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखे तो एक अच्छा खासा अवेयर क्रिएट होगा वैसे आने वाले समय में इस फिल्म को जरूर ओ टी टी और प्रीमियर करवाया जाएगा जहां पे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के दो एक महीने के बाद शायद प्रीमियर करवाया जा सकता है विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन लेकिन अब कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने राइट्स लिए उसके ऊपर डिटेल नहीं मिली है आने वाले समय में सभी चीजें पता चलेगी जब ये सभी चीजें होगी तो फिल्म को हिंदी मलयालम तमिल तेलुगु ये सभी वर्जन में ओ टी टी पर रिलीज किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी के अलावा दूसरी सभी लैंग्वेज इसमें डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया जाने वाला है लेकिन जिस तरह की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जो रिलीज़ के ऊपर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तमिलनाडु में और कुछ ऐसे अलग अलग सिटीज़ में तो वो सभी चीज़ें जब सॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद में इस फिल्म को डब करके वहां पर भी रिलीज़ किया जाएगा इसके अलावा केरला के स्टोरी का सैटेलाइट प्रीमियर भी ज़रूर होगा लेकिन सैटेलाइट प्रीमियर के लिए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डायलॉग में चेंजेस होंगे कुछ सीक्वेंस को काटा जाएगा उसके बाद में इस फिल्म को टीवी पे भी थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीने के बाद जिस किसी भी टेलीविजन चैनल ने राइट्स लिए होंगे उनके चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को ओ टी टी के ऊपर आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा द केरला स्टोरी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी में तीन किरदारों को मुख्य वे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है केरला में और कर्नाटक में कई ऐसे एरियाज में जो एक कन्वर्जन होता है इस्लाम का में कन्वर्ट करते केरला में ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है तो उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के तक तो ठीक है उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरसिया में उनको आई एस आई की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आई एस आई के लिए यूज़ किया जाता है तो यही सब चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में डीप में दिखाया हुआ है जहाँ पर किस तरह से ब्रेन वॉश होता है लव जिहाद का एंगल भी इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से इन सभी चीज़ों को ये जो लोग इसके पीछे छुपे हुए जो ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो वो लोग किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते किस तरह से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाते किस तरह से बाद में उस उनको आई एस आई एस में भेजा जाता है किस तरह से वो सभी चीज़ें एज़ अ आई एस आई एस आई आए रिक्रूटमेंबर बन के उनके पास करवाई जाती है इसके अलावा लव जिहाद का एंगल भी दिखाया हुआ है ये सभी एंगल को डीप में हमारे सामने पेश किया हुआ है जिसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की तहे दिल से तारीफ़ करनी पड़ेगी उन्होंने बखूबी काफ़ी एक रियलिटी को हमारे सामने सेम टू सेम वे में दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने जो फिल्म की कहानी है उसको सूर्यपाल सिंह सुदीप्तो सिंह और विपुल अमृतलाल लाल शाह ने मिलकर लिखी हुई है फिल्म को मीडियम टू लो बजट में ही बनाया हुआ था इस कहानी को लिखने के पीछे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट को लिया हुआ है जहाँ पे जो अलग अलग रियल इंसिडेंट घटे उसको तीन किरदारों में सेट किया हुआ है जहाँ पे एक किरदार का नाम है सालिनी एक का नाम है नीमा आसिफा गीतांजलि तो ये जो लड़कियाँ हैं उनके किरदारों में जो अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग जो घटनाएँ घटी थी उनको एक करके एक स्टोरी बनाने के लिए एक थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए सभी किरदार सभी ये सभी घटनाएँ इन तीन किरदारों के थ्रू दिखाने की कोशिश की हुई है इसके अलावा फ़िल्म को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सनसाइन पिक्चर्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके नीचे इसको प्रोड्यूस करवाया हुआ था उन्होंने अपनी खुद की इस फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई है इसके अलावा फिल्म की कास्ट अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिसने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम फातिमा बार रखा जाता है योगिता बिहानी ने निमाह का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बलानी को आसिफा का रोल दिया गया था सिद्धि ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्सिनी ने सालिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विजय कृष्णा प्रणय पंचोरी प्रणव मिश्रा जैसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रशांत मोहपात्रा ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ये सर्टिफिकेट के पीछे वायोलेंस है जिस तरह का जो इसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है वैसे इस फिल्म में वुमन सेफ्टी के लिए ही मैसेज दिया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें घट रही है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया की लड़कियाँ सेफ रह सके तो उसमें कोई ए सर्टिफिकेट वाली बात तो नहीं है इस फिल्म का रन टाइम एक मिनट यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट की एक फिल्म है जिसमें पूरी कहानी दिखाई हुए किस तरह से चीज़ें होती है किस तरह से इस्लाम में पहले कन्वर्ट करवाया जाता है कुछ लोगों के थ्रू और वही लोग बाद में किस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनको आईएसआईएस में ज्वाइन करवाते और उसके बाद में उनको उनके ट्रेनिंग दिलवाते सीरिया और वहाँ पर और उसके बाद में उनको ही यूज़ करके वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी गट्स के साथ दिखाया हुआ है ये सभी दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए तो उन उन्होंने मेकर्स ने, ने बखूबी सच्चाई को दिखाया हुआ है। फिल्म को एडिट किया हुआ संजय शर्मा ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में वीरेस श्रीवल्सा और विशाख ज्योति ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए सनसाइन जो पिक्चर से जो फिल्म का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे उन्होंने खुद इन सभी गानों को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे गाने गानों के ऊपर बातचीत करें तो कुछ एक गाने इस तरह जैसे कि एक का गाने एक गाने का नाम है तू मिला एक गाने का नाम है अथी रहा राविल एक का नाम है पागल परिंदे और इस तरह से अलग अलग वर्जन में ये सॉरी इस तरह से तीन गानों को इस फिल्म में डाला हुआ है ये सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म की की अम्रुण साल, अम्रुण के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो विपुल अमृत शाह अमृत शाह ने एज़ ए क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से कर दी थी फिल्म के डायरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी के राइटर भी है तो वो अलग अलग केरला के एरियाज में गए थे वहाँ पर अलग अलग इंसिडेंट को लेते हुए उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टडी की और उसके बाद में उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जिसमें उनको काफ़ी समय लगा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी अलग अलग में किए हुए पहले तो वैसे केरला में और कर्नाटक दो ऐसे शहर थे जहाँ पे इसकी शूटिंग हो सकती थी तो वहाँ पे उन दो राज्य में करने की कोशिश की हुई थी लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको पता ही है अभी फिल्म में फिलहाल में फिल्म रिलीज हुई उसके पीछे भी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है तो अब देखने वाली बात है कि क्या वो इस फिल्म को केरला में और कर्नाटक में शूट करने देते तो वही सब चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई हुई है इस फिल्म में किस तरह से क्रिए क्रिश्चियन हिंदू ये सभी जो लड़कियाँ हैं जो केरला से मिसिंग है और वो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीसिया में आईएसआई एस आई के इसके ट्रेनिंग के लिए भेजे जाता है उनको में कन्वर्ट करने के बाद तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक्यूरेट वे में उन्होंने सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है जिसमें वो बखूबी काफ़ी हद तक सक्सेस हुए क्योंकि जितनी भी जिस वो चीज़ें दिखाई हुई है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की हुई है तो मेकर्स की तरफ से एक अच्छा अप्रोच देखने को मिला है इस स्क्रिप्ट और फिल्म के प्रति जहाँ पर उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है उनकी इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी जिनको ये सभी चीज़ें नहीं पता थी उनके सामने ये सभी ट्रूथ आए जिसके चलते आने वाले समय में पेरेंट्स है या लड़की आए कि जो कोई भी जो इस कन्वर्जन वाले एंगल में फंस रहा है उसके बाद में वो आईएसआई में जाने जा भेजा जाता है तो ये सभी चीज़ों से वो दूर रह सकते हैं। अगर कोई उनको ऐसा कोई लगे कि ये सभी चीज़ें ये आईएसआई में भेजने के लिए आतंकवादी का साथ देने के लिए करवा रहे उनका मकसद पूरा करने के लिए तो उन सभी लोगों से वो दूर रह सकते फिल्म में ज़रूर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई है तो वहाँ पर कुछ जो ये लोग है जो पॉलिटिकल एंगल इसमें घुसा रहे कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल घुसा रहे इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जहाँ पे इसमें ऐसा कुछ कह रहे कि ये इस्लाम धर्म को ठेस पहुँचा ठेस पहुँच रही है तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया हुआ है उन लोगों को टारगेट किया हुआ है जो लोग ये सभी चीज़ें करते आ रहे जो लड़कियों को आतंकवाद के मार्ग में ले जाने की कोशिश रहे तो उनके खिलाफ ये सभी चीजें ना कि धर्म के खिलाफ तो ये सभी चीजें लोगों को बीच में क्लियर हो जाती है लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल इसमें डाला हुआ है जो पॉलिटिक्स बीच में घुसा रही है जो अलग अलग पार्टीज है वो मिलकर इस फिल्म के थ्रू अपना प्रोपोगेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो वही सब चीजों के चलते एक अलग एंगल इस फिल्म ने लिया हुआ है अदरवाइज ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म कैसी है उन्होंने इस फिल्म को बखूबी काफी सराहाया हुआ है और एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दिलवाई हुई थी काफ़ी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार बड़े एक्ट्रेस या बड़े डायरेक्टर राइटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद फ़िल्म ने जिस तरह से वीकेंड हासिल किया हुआ है, वो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है जिसको बॉलीवुड या कोई दूसरी तरफ से उतना नहीं मिला था लेकिन ऑडियंस जो सपोर्ट मिला था उसके चलते उस फिल्म ने अपना एक मकाम हासिल किया था ठीक उसी तरह ये फिल्म भी कुछ उसी रास्ते पे चल रही है सच्चाई के रास्ते पे जहाँ पे वो आसानी से आम जनता को कनेक्ट करते हुए नजर आती है क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी चीज़ें देखनी है कौन सी चीजें नहीं देखनी है फिल्म को पाँच मई 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आईएमडीबी पे फिलहाल में इकतीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को जब रिलीज़ किया गया ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सियल मार्केट ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी के इर्द गिर्द थी रिलीज होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन इस फिल्म ने आठ करोड़ और तीन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था हालांकि ये फिल्म पहले जब स्टार्ट हुई थी तब डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी पहले एक दो शो में लेकिन उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वे में फैला है उसके बाद में नाइट के शो काफ़ी ज्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चले थे जिसके चलते आठ करोड़ तीन लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के डे बाई डे शो बढ़ते गए और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा जिसके चलते अच्छा कलेक्शन किया हुआ था हालाँकि तमिलनाडु है केरला के कुछ एरियाज है वहाँ पर फिल्म प्रॉपर वे में नहीं चल रही है तमिलनाडु में खास करके गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल था लेकिन पता नहीं कोई एक दो ऐसे बीच में लोग आए हुए जो अपनी मनमानी करते हुए इस फिल्म को रिलीज नहीं करवा रहे ना थिएटर ओनर को वो धमकी दे रहे तब देखने वाली बात ये कि इन सभी चीजों के ऊपर कब तक एक प्रॉपर क्लियरिफिकेशन मिल, मिलता है प्रॉपर फिल्म को कब तक इन सभी एरियाज में रिलीज मिलती है क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर रिलीज मिली तो ये फिल्म और भी ज्यादा लंबा रन लेगी और और कलेक्शन करेगी और लोगों के बीच में एक मैसेज का अवेयरनेस जाएगा जहां पे इस फिल्म ने दूसरे दिन 11 करोड़ 22 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है तीसरे दिन सोलह करोड़ चालीस लाख का इसके चलते इस फिल्म ने पैंतीस करोड़ पैंसठ लाख का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वहीं पर चौथे दिन जो एक टेस्ट वाला डे होता है जो जहाँ पे पता चलता है कि मंडे के दिन अगर फ्राइडे से कर, आ, करीबन पचास साहठ परसेंट भी ओपनिंग ये फिल्म ले लेते पर मंडे के दिन चल जाते उतना कलेक्शन कर लेते तो ये फिल्म लंबा रन लेगी लेकिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले और भी ज़्यादा कलेक्शन किया वर्किंग डे होने के बावजूद दस करोड़ सात लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चार दिनों में पैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख का कलेक्शन करने में कामयाब रही वैसे देखा जाए तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ पे जो एक अवेयरनेस क्रिएट की हुए वुमन है वूमन को रिगार्डिंग एक सेफ्टी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें दिखाई हुई बताई हुई है तो इसमें कलेक्शन इतना कुछ मैटर नहीं करती है लेकिन मैं कलेक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ इससे अंदाजा लगेगा कि थिएटर में ये फिल्म कितनी ऑडियंस जाके देख रही है एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आठ करोड़ तीन लाख का कलेक्शन था तब टिकट रेट्स थोड़े हाई होते पहला वीकेंड रहता है लेकिन मंडे के दिन फ्राइडे और सैटरडे संडे के मुकाबले टिकट ट्रेड स्लो रहते हैं लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले दो सवा दो करोड़ का ज्यादा कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि लोगों को यह फिल्म कितनी पसंद आ रही है लोग इस मैसेज को कितना शेयर कर रहे हैं और जो ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की हुई है वो लोगों को जरूर पसंद आई है उन्होंने अप्रिसिएट किया और यही सब चीजों की चलते इस फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीनस मिली हुई है और ये फिल्म प्रॉपर वे में थिएटर में वर्क कर रही है सभी ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा सराहा रही है जहां पे द केरला स्टोरी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिल रहा है वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए बराबर के बला बुरा कह रहे लेकिन वो सभी चीज़ें मायने नहीं रखती है ऑडियंस ने इस फिल्म को सपोर्ट दे दिया इसका मतलब ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन जरूर आगे जाके करेगी हाँ कुछ क्रिटिक्स है जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स कहे जाते हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है लेकिन जो एक रेगुलर क्रिटिक्स के या यूट्यूब के जो चैनल चलाते वो उसको क्रिटिक्स के तौर पे ले या कोई ऑडियंस को तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इस वजह से आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है थिएटर में काफ़ी सारे शोज़ मिले हुए अलग अलग जगह पे तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ये एक अच्छी खासी मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा उनको भी जाने के लिए आपसे अप्रोच कीजिएगा तो वो भी इस फिल्म को थिएटर में जाके के देखे तो एक अच्छा खासा अवेयरनेस क्रिएट होगा वैसे आने वाले समय में इस फिल्म को जरूर ओ टी टी और सेवा प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के दो एक महीने के बाद शायद प्रीमियर करवाया जा सकता है इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन लेकिन अब कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने रा, राइट्स लिए उसके ऊपर डिटेल नहीं मिली है आने वाले समय में सभी चीजें पता चलेगी जब ये सभी चीजें होगी तो फिल्म को हिंदी मलयालम तमिल तेलुगु ये सभी वर्जन में ओ टी टी पर रिलीज किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी के अलावा दूसरी सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया जाने वाला है लेकिन जिस तरह की जो कंट्रोवर्सी चल रही है जो रिलीज़ के ऊपर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तमिलनाडु में और कुछ ऐसे अलग अलग सिटीज़ में तो वो सभी चीज़ें जब शॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद में इस फिल्म को डब करके वहाँ पर भी रिलीज़ किया जाएगा इसके अलावा केरला के स्टोरी का सैटेलाइट प्रीमियर भी ज़रूर होगा लेकिन सैटेलाइट प्रीमियर के लिए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डायलॉग में चेंजेस होंगे कुछ सीक्वेंस को काटा जाएगा उसके बाद में इस फिल्म को टीवी पे भी थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीने के बाद जिस किसी भी टेलीविज़न चैनल ने राइट्स लिए होंगे उनके चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को ओ टी टी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा द केरला स्टोरी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी में तीन किरदारों को मुख्य वे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है केरला में और कर्नाटक में कई ऐसे एरियाज में जो एक कन्वर्जन होता है इस्लाम का में कन्वर्ट करते केरला में ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है तो उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के तक तो ठीक है उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया में उनको आईएसआई की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आई एस आई के लिए यूज़ किया जाता है तो यही सब चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में डीप में दिखाया हुआ है जहाँ पे किस तरह से ब्रेन वॉश होता है लव जिहाद का एंगल भी इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से इन सभी चीज़ों को ये जो लोग इसके पीछे छुपे हुए जो ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो वो लोग किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते किस तरह से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाते किस तरह से बाद में उस उनको आई एस आई एस में भेजा जाता है किस तरह से वो सभी चीज़ें एज आई एस आई एस आई बन के उनके पास करवाई जाती है इसके अलावा लव जिहाद का एंगल भी दिखाया हुआ था ये सभी एंगल को डीप में हमारे सामने पेश किया हुआ है जिसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की तहे दिल से तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने बखूबी काफी एक रियलिटी को हमारे सामने सेम टू तो सेम वे में दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप सेन ने जो फिल्म की कहानी है उसको सूर्यपाल सिंह सुदीप्तो सिंह और विपुल अमृतलाल लाल शाह ने मिलकर लिखी हुई है फिल्म को मीडियम टू लो बजट में ही बनाया हुआ था इस कहानी को लिखने के पीछे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट को लिया हुआ है जहाँ पे जो अलग अलग रियल इंसिडेंट घटे उसको तीन किरदारों में सेट किया हुआ है जहाँ पे एक किरदार का नाम है शालिनी एक का नाम है नीमा आसिफा गीतांजलि तो ये जो लड़कियाँ हैं उनके किरदारों में जो अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग जो घटनाएं घटी थी उनको एक करके एक स्टोरी बनाने के लिए एक थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए सभी किरदार सभी ये सभी घटनाएं इन तीन किरदारों के थ्रू दिखाने की कोशिश की हुई है इसके अलावा फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सनसाइन पिक्चर्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके नीचे इसको प्रोड्यूस करवाया हुआ था उन्होंने अपने खुद की इस फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई है इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट आदाश शर्मा देखने को मिलेगी जिसने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम फातिमा बा रखा जाता है योगिता बिहानी ने निम का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बलानी को आसिफा का रोल दिया गया था सिद्धि नानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी ने सालिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा जैसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रशांत मोहपात्रा ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ए सर्टिफिकेट के पीछे वायोलेंस है जिस तरह का जो इसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है वैसे इस फिल्म में वुमन सेफ्टी के लिए ही मैसेज दिया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें घट रही है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया हुआ है जिस की वजह से इंडिया की लड़कियां सेफ़ रह सके तो उसमें कोई ए सर्टिफिकेट वाली बात तो नहीं है इस फिल्म का रन टाइम एक सौ अड़तीस मिनट यानी कि दो घंटे अठारह मिनट की एक फ़िल्म है जिसमें पूरी कहानी दिखाई हुई है किस तरह से चीज़ें होती है किस तरह से इस्लाम में पहले कन्वर्ट करवाए जाते है कुछ लोगों के थ्रू और वही लोग बाद में किस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनको आई एस आई एस में ज्वाइन करवाते और उसके बाद में उनको उनके ट्रेनिंग दिलवाते सीरिया और वहाँ पर और उसके बाद में उनको ही यूज़ करके वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते तो ये कुछ ऐसी चीज़ें है जिसको इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी गट्स के साथ दिखाया हुआ है ये सभी दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए तो उन्होंने मेकर्स ने बखूबी सच्चाई को दिखाया हुआ है फिल्म को एडिट किया हुआ संजय शर्मा ने म्यूज़िक डिपार्टमेंट में वीरेश श्रीवल्सा और विशाख ज्योति ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए सनसाइन जो पिक्चर्स है जो फिल्म का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे उन्होंने खुद इन सभी गानों को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे गाने गानों के ऊपर बातचीत करें तो कुछ एक गाने इस तरह जैसे कि एक का गा एक गाने का नाम है तू मिला एक गाने का नाम है अथी राविल एक का नाम है पागल परिंदे और इस तरह से अलग अलग वर्जन में ये सॉरी इस तरह से तीन गानों को इस फिल्म में डाला हुआ है ये सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो विपुल अमृत शाह साल, अमृत शाह ने एज़ ए क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से कर दी थी फ़िल्म के डायरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी के राइटर भी है तो वो अलग अलग केरला के एरियाज में गए थे वहाँ पर अलग अलग इंसिडेंट को लेते हुए उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टडी की और उसके बाद में उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जिसमें उनको काफ़ी समय लगा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में की हुई पहले तो वैसे केरला में और कर्नाटक दो ऐसे शहर थे जहाँ पे इसकी शूटिंग हो सकती थी तो वहाँ पे उन दो राज्य में करने की कोशिश की हुई थी लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको पता ही है अभी फिल्म में फिलहाल में फिल्म रिलीज हुई उसके पीछे भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है तो अब देखने वाली बात है कि क्या वो इस फिल्म को केरला में और कर्नाटक में शूट करने देते तो वही सब चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई हुई है इस फिल्म में किस तरह से क्रिश्चियन हिंदू ये सभी जो लड़कियाँ हैं जो केरला से मिसिंग है और वो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीशिया में आई एस आई के इसके ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक्यूरेट वे में उन्होंने सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है जिसमें वो बखूबी काफ़ी हद तक सक्सेस हुए क्योंकि जितनी भी जिस वो चीज़ें दिखाई हुई है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की हुई है तो मेकर्स की तरफ से एक अच्छा अप्रोच देखने को मिला है इस स्क्रिप्ट और फिल्म के प्रति जहाँ पर उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है उनकी इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी जिनको ये सभी चीज़ें नहीं पता थी उनके सामने ये सभी ट्रूथ आए जिसके चलते आने वाले समय में पेरेंट्स है या लड़की है कि जो कोई भी है जो इस कन्वर्जन वाले एंगल में फंस रहा है उसके बाद में वो आई में जाने भेजा जाता है तो ये सभी चीज़ों से वो दूर रह सकते हैं। अगर कोई उनको ऐसा कोई लगे कि ये सभी चीज़ें ये आई में भेजने के लिए आतंकवादी का साथ देने के लिए करवा रहे उनका मकसद पूरा करने के लिए तो उन सभी लोगों से वो दूर रह सकते फिल्म में ज़रूर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई है तो वहाँ पर कुछ जो ये लोग है जो पॉलिटिकल एंगल इसमें घुसा रहे हैं कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल घुसा रहे हैं इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जहाँ पे इसमें ऐसा कुछ कह रहे कि ये इस्लाम धर्म को ठेस पहुँचा ठेस पहुँच रही है तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया हुआ है उन लोगों को टारगेट किया हुआ है जो लोग ये सभी चीज़ें करते आ रहे हैं जो लड़कियों को आतंकवाद के मार्ग में ले जाने की कोशिश रहे तो उनके खिलाफ ये सभी चीजें ना कि धर्म के खिलाफ तो ये सभी चीजें लोगों को बीच में क्लियर हो जाती लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल इसमें डाला हुआ है जो पॉलिटिक्स बीच में घुसा रही है जो अलग अलग पार्टीज है वो मिलकर इस फिल्म के थ्रू अपना प्रोपोगेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो वही सब चीजों के चलते एक अलग एंगल इस फिल्म ने लिया हुआ है अदरवाइज ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म कैसी है उन्होंने इस फिल्म को बखूबी काफी सराहाया हुआ है और एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दिलवाई हुई थी काफ़ी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस या बड़े डिरेक्टर राइटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से वीकेंड हासिल किया हुआ है वो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी फ़िल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी है किस तरह से कैसी चीज़ों को सपोर्ट करना है वो सभी चीज़ें उन्होंने उनको बखूबी पता है जिस तरह से द काश्मीर फाइल फिल्म को सपोर्ट किया गया था जिसको बॉलीवुड या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन ऑडियंस की तरफ से जो सपोर्ट मिला था उसके चलते उस फिल्म ने अपना एक मकाम हासिल किया था ठीक उसी तरह ये फिल्म भी कुछ उसी रास्ते पे चल रही है सच्चाई के रास्ते पे जहाँ पे वो आसानी से आम जनता को कनेक्ट करती हुई नज़र आती क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी चीज़ें देखनी है कौन सी चीज़ें नहीं देखनी है फिल्म को पाँच मई 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आईएमडीबी पे फिलहाल में इकतीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को जब रिलीज़ किया गया ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सियल मार्केट ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी के इर्द गिर्द थी रिलीज़ होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन फिल्म ने आठ करोड़ और तीन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था हालांकि ये फिल्म पहले जब स्टार्ट हुई थी तब डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी पहले एक दो शो में लेकिन उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वे में फैला है उसके बाद में नाइट के शो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चले थे जिसके चलते आठ करोड़ तीन लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के डे बाई डे शो बढ़ते गए और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा जिसके चलते अच्छा कलेक्शन किया हुआ था हालाँकि तमिलनाडु है केरला के कुछ एरियाज है वहाँ पर फिल्म प्रॉपर वे में नहीं चल रही है तमिलनाडु में खास करके गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल था लेकिन पता नहीं कोई एक दो ऐसे बीच में लोग आए हुए जो अपनी मनमानी करते हुए इस फिल्म को रिलीज नहीं करवा रहे ना थिएटर ओनर को वो धमकी दे रहे तब देखने वाली बात यह चीजों के ऊपर कब तक एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल, मिलता है प्रॉपर फिल्म को कब तक वो इन सभी एरियाज में रिलीज मिलती है क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर रिलीज मिली तो ये फिल्म और भी ज्यादा लंबा रन लेगी और और कलेक्शन करेगी और लोगों के बीच में एक मैसेज का अवेयरनेस जाएगा जहां पे इस फिल्म ने दूसरे दिन 11 करोड़ 22 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है तीसरे दिन 16 करोड़ चालीस लाख का इसके चलते इस फिल्म ने पैंतीस करोड़ पैंसठ लाख का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वहीं पर चौथे दिन जो एक टेस्ट वाला डे होता है जो जहाँ पे पता चलता है कि मंडे के दिन अगर फ्राइडे से कर, आ, करीबन पचास साठ परसेंट भी ओपनिंग ये फिल्म ले लेते मंडे के दिन चल जाते उतना कलेक्शन कर लेते तो ये फिल्म लंबा रन लेगी लेकिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले और भी ज़्यादा कलेक्शन किया वर्किंग डे होने के बावजूद दस करोड़ सात लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चार दिनों में पैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख का कलेक्शन करने में कामयाब रही वैसे देखा जाए तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ पे जो एक अवेयरनेस क्रिएट की हुई है वूमन को रिगार्डिंग एक सेफ्टी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें दिखाई हुई बताई हुई है तो इसमें कलेक्शन इतना कुछ मैटर नहीं करती है लेकिन मैं कलेक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ इससे अंदाज़ा लगेगा कि थिएटर में ये फिल्म कितनी ऑडियंस जाके देख रही है एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आठ करोड़ तीन लाख का कलेक्शन था टिकट रेट्स थोड़े हाई होते हैं पहला वीकेंड रहता है लेकिन मंडे के दिन फ्राइडे और सैटरडे संडे के मुकाबले टिकट रेट्स लो रहते हैं लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले दो सवा दो करोड़ का ज्यादा कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आ रही है लोग इस मैसेज को कितना शेयर कर रहे हैं और जो ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की हुई है वो लोगों को जरूर पसंद आई है उन्होंने अप्रिसिएट किया और यही सब चीज़ों की चलते इस फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीनस मिली हुई है और ये फिल्म प्रॉपर वे में थिएटर में वर्क कर रही है सभी ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा सराह रही है जहाँ पे द केरला स्टोरी फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए बड़ा बुला के भला बुरा कह रहे लेकिन वो सभी चीज़ें मायने नहीं रखती है ऑडियंस ने इस फिल्म को सपोर्ट दे दिया इसका मतलब ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन ज़रूर आगे जाके करेगी हाँ कुछ क्रिटिक्स है जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स कहे जाते हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है लेकिन जो एक रेगुलर क्रिटिक्स के या यूट्यूब के जो चैनल चलाते हैं वो उसको क्रिटिक्स के तौर पे ले या कोई ऑडियंस को तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इस वजह से आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है थिएटर में काफ़ी सारे शोज़ मिले हुए अलग अलग जगह पर तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ये एक अच्छी खासी मैसेज ओरियंटेड फिल्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा उनको भी जाने के लिए आपसे अप्रोच कीजिएगा तो वो भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखे तो एक अच्छा खासा अवेयरनेस के जाएगा। जहां पे के इस फिल्म को के दो एक महीने के बाद शायद इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन लेकिन अब कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म ने राइट्स लिए उसके ऊपर डिटेल नहीं मिली है आने वाले समय में सभी चीजें पता चलेगी जब ये सभी चीजें होगी तो फिल्म को हिंदी मलयालम तमिल तेलुगु सभी वर्जन में ओटीटी पे रिलीज किया जाएगा फिलहाल में इस फिल्म को हिंदी के अलावा दूसरी सभी लैंग्वेज़ में डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया जाने वाला है लेकिन जिस तरह की जो कंट्रोवर्सी चल रही है जो रिलीज़ के ऊपर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तमिलनाडु में और कुछ ऐसे अलग अलग सिटीज़ में तो वो सभी चीज़ें जब शॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद में इस फिल्म को डब करके वहाँ पर भी रिलीज़ किया जाएगा इसके अलावा केरला के स्टोरी का सैटेलाइट प्रीमियर भी ज़रूर होगा लेकिन सैटेलाइट प्रीमियर के लिए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डायलॉग में चेंजेस होंगे कुछ सीक्वेंस को काटा जाएगा उसके बाद में इस फिल्म को टीवी पे भी थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीने के बाद जिस किसी भी टेलीविजन चैनल ने राइट्स लिए होंगे उनके चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को ओ टी टी के ऊपर आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा द केरला स्टोरी जो 2023 के की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी में तीन किरदारों को मुख्य वे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर इस पूरी फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है केरला में और कर्नाटक में कई ऐसे एरियाज में जो एक कन्वर्जन होता है इस्लाम का में कन्वर्ट करते केरला में ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है तो उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के तक तो ठीक है उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया में उनको आईएसआई आए की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आई एस आई के लिए यूज़ किया जाता है तो यही सब चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में डीप में दिखाया हुआ है जहाँ पर किस तरह से ब्रेन वॉश होता है लव जिहाद का एंगल भी इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से सभी चीज़ों को ये जो लोग इसके पीछे छुपे हुए जो ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते तो वो लोग किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते किस तरह से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाते किस तरह से बाद में उस उनको आई एस आई एस में भेजा जाता है किस तरह से वो सभी चीज़ें एज़ अ आई एस आई एस आई रिक्रूटमेंबर बन के उनके पास करवाई जाती है इसके अलावा लव जिहाद का एंगल भी दिखाया हुआ था ये सभी एंगल को डीप में हमारे सामने पेश किया हुआ है जिसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की तहे दिल से तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने बखूबी काफ़ी एक रियलिटी को हमारे सामने सेम टू तो सेम वे में दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने जो फिल्म की कहानी है उसको सूर्यपाल सिंह सुदीप्तो सिंह और विपुल अमृतलाल लाल शाह ने मिलकर लिखी हुई है फिल्म को मीडियम टू लो बजट में ही बनाया हुआ था इस कहानी को लिखने के पीछे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट को लिया हुआ है जहाँ पे जो अलग अलग रियल इंसिडेंट घटे उसको तीन किरदारों में सेट किया हुआ है जहाँ पे एक किरदार का नाम है शालिनी एक का नाम है नीमा आसिफा गीतांजलि तो ये जो लड़कियाँ है उनके किरदारों में जो अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग जो घटनाएं घटी थी उनको एक करके एक स्टोरी बनाने के लिए एक थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए सभी किरदार सभी ये सभी घटनाएँ इन तीन किरदारों के थ्रू दिखाने की कोशिश की हुई है इसके अलावा फ़िल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सनसाइन पिक्चर्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके नीचे इसको प्रोड्यूस करवाया हुआ था उन्होंने अपने खुद की इस फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई है इसके अलावा फिल्म की कास्ट अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिसने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम फातिमा बह रखा जाता है योगिता बिहानी ने निम का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बलानी को आसिफा का रोल दिया गया था सिद्धि ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी सिंह ने सालिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विजय कृष्णा प्रणय पंचोरी प्रणव मिश्रा जैसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रशांत मोहपात्रा ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ये सर्टिफिकेट के पीछे वायोलेंस है जिस तरह का जो इसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है वैसे इस फिल्म में वुमन सेफ्टी के लिए ही मैसेज दिया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें घट रही है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया की लड़कियाँ सेफ़ रह सके तो उसमें कोई ए सर्टिफिकेट वाली बात तो नहीं है इस फिल्म का रन टाइम एक मिनट यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट की एक फिल्म है जिसमें पूरी कहानी दिखाई हुए किस तरह से चीज़ें होती है किस तरह से इस्लाम में पहले कन्वर्ट करवाया जाता है कुछ लोगों के थ्रू और वही लोग बाद में किस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनको आई में ज्वाइन करवाते और उसके बाद में उनको उनके ट्रेनिंग दिलवाते सीरिया और वहाँ पर और उसके बाद में उनको ही यूज़ करके वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी गट्स के साथ दिखाया हुआ है ये सभी दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए तो उन उन्होंने मेकर्स ने बखूबी सच्चाई को दिखाया हुआ है फिल्म को एडिट किया हुआ संजय शर्मा ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में वीरेश श्रीवल्सा और विशाख ज्योति ने काम किया हुआ है जहां पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए सनसाइन जो पिक्चर्स है जो फिल्म का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहां पे उन्होंने खुद इन सभी गानों को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे गाने गानों के ऊपर बातचीत करें तो कुछ एक गाने इस तरह जैसे कि एक का गा एक गाने का नाम है तू मिला एक गाने का नाम है अथी रहा राविल एक का नाम है पागल परिंदे और इस तरह से अलग अलग वर्जन में ये सॉरी इस तरह से तीन गानों को इस फिल्म में डाला हुआ है ये सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म की की अम्रुण साल, अम्रुण के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो विपुल अमृतसाल शाह अमृत शाह ने एज़ ए क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से कर दी थी फ़िल्म के डायरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी के राइटर भी है तो वो अलग अलग केरला के एरियाज में गए थे वहाँ पर अलग अलग इंसिडेंट को लेते हुए उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टडी की और उसके बाद में उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जिसमें उनको काफ़ी समय लगा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में किए हुए पहले तो वैसे केरला में और कर्नाटक दो ऐसे शहर थे जहाँ पे इसकी शूटिंग हो सकती थी तो वहाँ पे उन दो राज्य में करने की कोशिश की हुई थी लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको पता ही है अभी फिल्म में फिलहाल में फिल्म रिलीज़ हुई उसके पीछे भी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है तो अब देखने वाली बात है कि क्या वो इस फिल्म को केरला में और कर्नाटक में शूट करने देते तो वही सब चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई हुई है इस फिल्म में किस तरह से क्रिश्चियन हिंदू ये सभी जो लड़कियाँ हैं जो केरला से मिसिंग है और वो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ और सीसिया में आईएसआई एस आई के इसकी ट्रेनिंग के लिए भेजे जाता है उनको इस्लामिक कन्वर्ट करने के बाद तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक्यूरेट वे में उन्होंने सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है जिसमें वो बखूबी काफ़ी हद तक सक्सेस हुए क्योंकि जितनी भी जिस वो चीज़ें दिखाई हुई है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की हुई है तो मेकर्स की तरफ से एक अच्छा अप्रोच देखने को मिला है इस स्क्रिप्ट और फिल्म के प्रति जहाँ पर उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है उनकी इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी जिनको ये सभी चीज़ें नहीं पता थी उनके सामने ये सभी त्रूथ आए जिसके चलते आने वाले समय में पेरेंट्स है या लड़की है कि जो कोई भी है जो इस कन्वर्जन वाले एंगल में फंस रहा है उसके बाद में वो आईएसआई में जाने भेजा जाता है तो ये सभी चीज़ों से वो दूर रह सकते हैं अगर कोई उनको ऐसा कोई लगे कि ये सभी चीज़ें ये आईएसआई में भेजने के लिए आतंकवादी का साथ देने के लिए करवा रहे उनका मकसद पूरा करने के लिए तो उन सभी लोगों से वो दूर रह सकते फिल्म में ज़रूर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई है तो वहाँ पर कुछ जो ये लोग है जो पॉलिटिकल एंगल इसमें घुसा रहे हैं कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल रहे हैं इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जहाँ पे इसमें ऐसा कुछ कह रहे कि ये इस्लाम धर्म को ठेस पहुँचा ठेस पहुँच रही है तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया हुआ है उन लोगों को टारगेट किया हुआ है जो लोग ये सभी चीज़ें करते आ रहे हैं जो लड़कियों को आतंकवाद के मार्ग में ले जाने की कोशिश कर रहे तो उनके खिलाफ ये सभी चीजें ना कि धर्म के खिलाफ तो ये सभी चीजें लोगों को बीच में क्लियर हो जाती लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल इसमें डाला हुआ है जो पॉलिटिक्स बीच में घुसा रही है जो अलग अलग पार्टीज है वो मिलकर इस फिल्म के थ्रू अपना प्रोपोगेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो वही सब चीजों के चलते एक अलग एंगल इस फिल्म ने लिया हुआ है अदरवाइज ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म कैसी है उन्होंने इस फिल्म को बखूबी काफी सराहाया हुआ है और एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दिलवाई हुई थी काफ़ी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस या बड़े डिरेक्टर राइटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से वीकेंड हासिल किया हुआ है वो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी है किस तरह से कैसी चीज़ों को सपोर्ट करना है वो सभी चीज़ें उन्होंने उनको बखूबी पता है जिस तरह से द काश्मीर फाइल फिल्म को सपोर्ट किया गया था जिसको बॉलीवुड या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन ऑडियंस की तरफ से जो सपोर्ट मिला था उसके चलते उस फिल्म ने अपना एक मकाम हासिल किया था ठीक उसी तरह ये फिल्म भी कुछ उसी रास्ते पे चल रही है सच्चाई के रास्ते पे जहाँ पे वो आसानी से आम जनता को कनेक्ट करती हुई नज़र आती है क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी चीज़ें देखनी है कौन सी चीज़ें नहीं देखनी है फिल्म को पाँच मई 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे फिलहाल में इकतीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को जब रिलीज़ किया गया ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सियल मार्केट ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी के इर्द गिर्द थी रिलीज़ होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन इस फिल्म ने आठ करोड़ और तीन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था हालांकि ये फिल्म पहले जब स्टार्ट हुई थी तब डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी पहले एक दो शो में लेकिन उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वे में फैला है उसके बाद में नाइट के शो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चले थे जिसके चलते आठ करोड़ तीन लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के डे बाई डे शो बढ़ते गए और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा जिसके चलते अच्छा कलेक्शन किया हुआ था हालाँकि तमिलनाडु है केरला के कुछ एरियाज है वहाँ पर फिल्म प्रॉपर वे में नहीं चल रही है तमिलनाडु में खास करके गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल था लेकिन पता नहीं कोई एक दो ऐसे बीच में लोग आए हुए जो अपनी मनमानी करते हुए इस फिल्म को रिलीज नहीं करवा रहे ना पर थिएटर ओनर को वो धमकी दे रहे तब देखने वाली बात यह चीजों के ऊपर कब तक एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन मिल, मिलता है प्रॉपर फिल्म को कब तक वो इन सभी एरियाज में रिलीज मिलती है क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर रिलीज मिली तो ये फिल्म और भी ज्यादा लंबा रन लेगी और और कलेक्शन करेगी और लोगों के बीच में एक मैसेज का अवेयरनेस जाएगा जहां पे इस फिल्म ने दूसरे दिन ग्यारह करोड़ बाईस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है तीसरे दिन सोलह करोड़ चालीस लाख का इसके चलते इस फिल्म ने पैंतीस करोड़ पैंसठ लाख का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वहीं पर चौथे दिन जो एक टेस्ट वाला डे होता है जो जहाँ पे पता चलता है कि मंडे के दिन अगर फ्राइडे से कर, आ, करीबन पचास साठ परसेंट भी ओपनिंग ये फिल्म ले लेते पर मंडे के दिन चल जाते उतना कलेक्शन कर लेते तो ये फिल्म लंबा रन लेगी लेकिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले और भी ज़्यादा कलेक्शन किया वर्किंग डे होने के बावजूद दस करोड़ सात लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चार दिनों में पैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख का, का कलेक्शन करने में कामयाब रही वैसे देखा जाए तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ पे जो एक अवेयरनेस क्रिएट की हुई है वुमेन्स को रिगार्डिंग एक सेफ्टी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें दिखाई हुई बताई हुई है तो इसमें कलेक्शन इतना कुछ मैटर नहीं करती है लेकिन मैं कलेक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ इससे अंदाज़ा लगेगा कि थिएटर में ये फिल्म कितनी ऑडियंस जाके देख रही है एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आठ करोड़ तीन लाख का कलेक्शन था तब टिकट रेट्स थोड़े हाई होते पहला वीकेंड रहता है लेकिन मंडे के दिन फ्राइडे और सैटरडे संडे के मुकाबले टिकट ट्रेड्स लो रहते हैं लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले दो सवा दो करोड़ का ज्यादा कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि लोगों को यह फिल्म कितनी पसंद आ रही है लोग इस मैसेज को कितना शेयर कर रहे हैं और जो ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की हुई है वो लोगों को जरूर पसंद आई है उन्होंने अप्रिसिएट किया और यही सब चीजों के चलते इस फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीनस मिली हुई है और ये फिल्म प्रॉपर वे में थिएटर में वर्क कर रही है सभी ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा सराह रही है जहां पे द केरला स्टोरी फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिल रहा है वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए बरा बुला के भला बुरा कह रहे लेकिन वो सभी चीज़ें मायने नहीं रखती है ऑडियंस ने इस फिल्म को सपोर्ट दे दिया इसका मतलब ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन जरूर आगे जाके करेगी हाँ कुछ क्रिटिक्स है जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स कहे जाते हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है लेकिन जो एक रेगुलर क्रिटिक्स के या यूट्यूब के जो चैनल चलाते हैं वो उसको क्रिटिक्स के तौर पे ले या कोई ऑडियंस को तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इस वजह से आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है थिएटर में काफ़ी सारे शोज़ मिले हुए अलग अलग जगह पर तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ये एक अच्छी खासी मैसेज ओरियंटेड फिल्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा उनको भी जाने के लिए आपसे अप्रोच कीजिएगा तो वो भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखे तो एक अच्छा खासा अवेयरनेस

हिंदी के अलावा दूसरी सभी लैंग्वेज़ में डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया जाने वाला है लेकिन जिस तरह की जो कंट्रोवर्सी चल रही है जो रिलीज़ के ऊपर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तमिलनाडु में और कुछ ऐसे अलग अलग सिटीज़ में तो वो सभी चीज़ें जब शॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद में इस फिल्म को डब करके वहाँ पे भी रिलीज़ किया जाएगा इसके अलावा केरला के स्टोरी का सेटेलाइट प्रीमियर भी ज़रूर होगा लेकिन सैटेलाइट प्रीमियर के लिए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डायलॉग में चेंजेस होंगे कुछ सीक्वेंस को काटा जाएगा उसके बाद में इस फिल्म को टीवी पे भी थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीने के बाद जिस किसी भी टेलीविजन चैनल ने राइट्स लिए होंगे उनके चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को ओ टी टी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा द केरला स्टोरी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी में तीन किरदारों को मुख्य वे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है केरला में और कर्नाटक में कई ऐसे एरियाज में जो एक कन्वर्जन होता है इस्लाम का में कन्वर्ट करते केरला में ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है तो उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के तक तो ठीक है उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया में उनको आईएसआई की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आई एस आई के लिए यूज़ किया जाता है तो यही सब चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में डीप में दिखाया हुआ है जहाँ पे किस तरह से ब्रेन वॉश होता है लव जिहाद का एंगल भी इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से इन सभी चीज़ों को ये जो लोग इसके पीछे छुपे हुए जो ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो वो लोग किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते किस तरह से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाते किस तरह से बाद में उस उनको आई एस आई एस में भेजा जाता है किस तरह से वो सभी चीज़ें एज अ आई एस आई एस आई आए, बन के उनके पास करवाई जाती है इसके अलावा लव जिहाद का एंगल भी दिखाया हुआ है ये सभी एंगल को डीप में हमारे सामने पेश किया हुआ है जिसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की तहे दिल से तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने बखूबी काफी एक रियलिटी को हमारे सामने सेम टू तो सेम वे में दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो सेन ने जो फिल्म की कहानी है उसको सूर्यपाल सिंह सुदीप्तो सिंह और विपुल अमृतलाल लाल शाह ने मिलकर लिखी हुई है फिल्म को मीडियम टू लो बजट में ही बनाया हुआ था इस कहानी को लिखने के पीछे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट को लिया हुआ है जहाँ पे जो अलग अलग रियल इंसिडेंट घटे उसको तीन किरदारों में सेट किया हुआ है जहाँ पे एक इस किरदार का नाम है शालिनी एक का नाम है नीमा आसिफा गीतांजलि तो ये जो लड़कियाँ उनके किरदारों में जो अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग जो घटनाएं घटी थी उनको एक करके एक स्टोरी बनाने के लिए एक थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए सभी किरदार सभी ये सभी घटनाएं इन तीन किरदारों के थ्रू दिखाने की कोशिश की हुई है इसके अलावा फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सनसाइन पिक्चर्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके नीचे इसको प्रोड्यूस करवाया हुआ था उन्होंने अपने खुद की इस फिल्म को रिलीज दिलवाई हुई है इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिसने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम फातिमा बा रखा जाता है योगिता बिहानी ने निम का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बलानी को आसिफा का रोल दिया गया था सिद्धि नानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर्शिनी ने शालिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विजय कृष्णा प्रणय पंचोरी प्रणव मिश्रा जैसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रशांत मोहपात्रा ने सिनेमेटोग्राफी की हुई है फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ए सर्टिफिकेट के पीछे वायोलेंस है जिस तरह का जो इसमें जो सभी चीजें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है वैसे इस फिल्म में वुमन सेफ्टी के लिए ही मैसेज दिया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें घट रही है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया की लड़कियां सेफ रह सके तो उसमें कोई ए सर्टिफिकेट वाली बात तो नहीं है इस फिल्म का रन टाइम एक सौ अड़तीस मिनट यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट की फ़िल्म है जिसमें पूरी कहानी दिखाई हुई है किस तरह से चीज़ें होती है किस तरह से इस्लाम में पहले कन्वर्ट करवाया जाता है कुछ लोगों के थ्रू और वही लोग बाद में किस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनको आई में ज्वाइन करवाते और उसके बाद में उनको उनके ट्रेनिंग दिलवाते सीरिया और वहाँ पर और उसके बाद में उनको ही यूज़ करके वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी गट्स के साथ दिखाया हुआ है ये सभी दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए तो उन्होंने मेकर्स ने बखूबी सच्चाई को दिखाया हुआ है फिल्म को एडिट किया हुआ संजय शर्मा ने म्यूज़िक डिपार्टमेंट में वीरेश श्रीवल्सा और विशाख ज्योति ने काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए सनसाइन जो पिक्चर्स है जो फिल्म का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहाँ पे उन्होंने खुद इन सभी गानों को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे गाने गानों के ऊपर बातचीत करें तो कुछ एक गाने इस तरह जैसे कि एक का गान एक गाने का नाम है तू मिला एक गाने का नाम है अथीरा राविल एक का नाम है पागल परिंदे और इस तरह से अलग अलग वजन में ये सॉरी इस तरह से तीन गानों को इस फिल्म में डाला हुआ है ये सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत है वो विपुल अमृतसाल अमृतसा ने एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से कर दी थी फ़िल्म के डायरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी के राइटर भी है तो वो अलग अलग केरला के एरियाज़ में गए थे वहाँ पर अलग अलग इंसिडेंट को लेते हुए उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टडी की और उसके बाद में उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जिसमें उनको काफ़ी समय लगा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में की हुई पहले तो वैसे केरला में और कर्नाटक दो ऐसे शहर थे जहाँ पे इसकी शूटिंग हो सकती थी तो वहाँ पे उन दो राज्यों में करने की कोशिश की हुई थी लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको पता ही है अभी फिल्म में फिलहाल में फिल्म रिलीज हुई उसके पीछे भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है तो अब देखने वाली बात है कि क्या वो इस फिल्म को केरला में और कर्नाटक में शूट करने देते तो वही सब चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई हुई है इस फिल्म में किस तरह से क्रिश्चियन हिंदू ये सभी जो लड़कियाँ हैं जो केरला से मिसिंग है और वो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीसिया में आई एस आई के इसकी ट्रेनिंग के लिए भेजे जाता है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक्यूरेट वे में उन्होंने सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है जिसमें वो वखूबी काफ़ी हद तक सक्सेस हुए क्योंकि जितनी भी जिस जो चीज़ें दिखाई हुई है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की हुई है तो मेकर्स की तरफ से एक अच्छा अप्रोच देखने को मिला है इस स्क्रिप्ट और फिल्म के प्रति जहाँ पर उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है उनकी इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी जिनको ये सभी चीज़ें नहीं पता थी उनके सामने ये सभी त्रूथ आए जिसके चलते आने वाले वाले समय में पेरेंट्स है या लड़की आए कि जो कोई भी जो इस कन्वर्जन वाले एंगल में फंस रहा है उसके बाद में वो आईएसआई में जाने भेजा जाता है तो ये सभी चीज़ों से वो दूर रह सकते हैं अगर कोई उनको ऐसा कोई लगे कि ये सभी चीज़ें ये आईएसआई में भेजने के लिए आतंकवादी का साथ देने के लिए करवा रहे उनका मकसद पूरा करने के लिए तो उन सभी लोगों से वो दूर रह सकते फिल्म में ज़रूर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई है तो वहाँ पर कुछ जो ये लोग है जो पॉलिटिकल एंगल इसमें घुसा रहे कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल घुसार है इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जहाँ पे इसमें ऐसा कुछ कह रहे कि ये इस्लाम धर्म को ठेस पहुँचा ठेस पहुँच रही है तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया हुआ है उन लोगों को टारगेट किया हुआ है जो लोग ये सभी चीज़ें करते आ रहे हैं जो लड़कियों को आतंकवाद के मार्ग में ले जाने की कोशिश कर रहे तो उनके खिलाफ ये सभी चीजें ना कि धर्म के खिलाफ तो ये सभी चीजें लोगों को बीच में क्लियर हो जाती लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल इसमें डाला हुआ है जो पॉलिटिक्स बीच में घुसा रही है जो अलग अलग पार्टीज है वो मिलकर इस फिल्म के थ्रू अपना प्रोपोगेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो वही सब चीज़ों के चलते एक अलग एंगल इस फिल्म ने लिया हुआ है अदरवाइज ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म कैसी है उन्होंने इस फिल्म को बखूबी काफी सराहाया हुआ है और एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दिलवाई हुई थी काफ़ी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस या बड़े डिरेक्टर राइटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से वीकेंड हासिल किया हुआ है वो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी है किस तरह से कैसी चीज़ों को सपोर्ट करना है वो सभी चीज़ें उनको बखूबी पता है जिस तरह से द काश्मीर फाइल फिल्म को सपोर्ट किया गया था जिसको बॉलीवुड या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ से उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन ऑडियंस की तरफ से जो सपोर्ट मिला था उसके चलते उस फिल्म ने अपना एक मकाम हासिल किया था ठीक उसी तरह ये फिल्म भी कुछ उसी रास्ते पे चल रही है सच्चाई के रास्ते पे जहाँ पे वो आसानी से आम जनता को कनेक्ट करती हुई नज़र आती है क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी चीज़ें देखनी है कौन सी चीज़ें नहीं देखनी है फिल्म को पाँच मई 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे फिलहाल में इक्कीस हजार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को जब रिलीज़ किया गया ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सियल मार्केट ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी के इर्द गिर्द थी रिलीज़ होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब पहले दिन इस फिल्म ने आठ करोड़ और तीन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था हालांकि ये फिल्म पहले जब स्टार्ट हुई थी तब डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी पहले एक दो शो में लेकिन उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वे में फैला है उसके बाद में नाइट के शो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चले थे जिसके चलते आठ करोड़ तीन लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के डे बाई डे शो बढ़ते गए और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा जिसके चलते अच्छा कलेक्शन किया हुआ था हालाँकि तमिलनाडु है केरला के कुछ एरियाज है वहाँ पर फिल्म प्रॉपर वे में नहीं चल रही है तमिलनाडु में खास करके गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल था लेकिन पता नहीं कोई एक दो ऐसे बीच में लोग आए हुए जो अपनी मनमानी करते हुए इस फिल्म को रिलीज नहीं करवा रहे ना पर थिएटर ओनर को वो धमकी दे रहे तब देखने वाली बात है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कब तक एक प्रॉपर प्रॉपर क्लेरिफिकेशन मिलता है, फिल्म को कब तक इन सभी एरियाज में रिलीज मिलती है क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर रिलीज मिली तो ये फिल्म और भी ज्यादा लंबा रन लेगी और और कलेक्शन करेगी और लोगों के बीच में एक मैसेज का अवेयरनेस जाएगा जहां पे इस फिल्म ने दूसरे दिन ग्यारह करोड़ बाईस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ तीसरे दिन सोलह करोड़ चालीस लाख का इसके चलते इस फिल्म ने पैंतीस करोड़ पैंसठ लाख का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वहीं पर चौथे दिन जो एक टेस्ट वाला डे होता है जो जहाँ पे पता चलता है कि मंडे के दिन अगर फ्राइडे से कर, आ, करीबन पचास साठ परसेंट भी ओपनिंग ये फिल्म ले लेते मंडे के दिन चल जाते उतना कलेक्शन कर लेते तो ये फिल्म लंबा रन लेगी लेकिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले और भी ज़्यादा कलेक्शन किया वर्किंग डे होने के बावजूद दस करोड़ सात लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चार दिनों में पैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख का कलेक्शन करने में कामयाब रही वैसे देखा जाए तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ पे जो एक अवेयरनेस क्रिएट की हुई है वुमन को रिगार्डिंग एक सेफ्टी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें दिखाई हुई है बताई हुई है तो इसमें कलेक्शन इतना कुछ मैटर नहीं करती है लेकिन मैं कलेक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ इससे अंदाज़ा लगेगा कि थिएटर में फिल्म कितनी ऑडियंस जाके देख रही है एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आठ करोड़ तीन लाख का कलेक्शन था तब टिकट रेट्स थोड़े हाई होते हैं पहला वीकेंड रहता है लेकिन मंडे के दिन फ्राइडे और सैटरडे संडे के मुकाबले टिकट रेट्स लो रहते हैं लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले दो सवा दो करोड़ का ज़्यादा कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इससे अंदाज़ा लगेगा कि लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आ रही है लोग इस मैसेज को कितना शेयर कर रहे हैं और जो ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की हुई है वो लोगों को ज़रूर पसंद आई है उन्होंने अप्रिसिएट किया और यही सब चीज़ों के चलते इस फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन्स मिली हुई है और ये फिल्म प्रॉपर वे में थिएटर में वर्क कर रही है सभी ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा सराह रही है जहां पे द केरला स्टोरी फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिल रहा है वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए एक बुला के भला बुरा कह रहे लेकिन वो सभी चीज़ें मायने नहीं रखती है ऑडियंस ने इस फिल्म को सपोर्ट दे दिया इसका मतलब ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन ज़रूर आगे जाके करेगी हाँ कुछ क्रिटिक्स है जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स कहे जाते हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है लेकिन जो एक रेगुलर क्रिटिक्स के या यूट्यूब के जो चैनल चलाते हैं वो उसको क्रिटिक्स के तौर पे ले या कोई ऑडियंस को तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इस वजह से आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है थिएटर में काफ़ी सारे शोज़ मिले हुए अलग अलग जगह पर तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जा इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ये एक अच्छी खासी मैसेज ओरिएटेड फिल्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा उनको भी जाने के लिए आपसे अप्रोच कीजिएगा तो वो भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखे तो एक अच्छा खासा अवेयरनेस

हिंदी के अलावा दूसरी सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया जाने वाला है लेकिन जिस तरह की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जो रिलीज़ के ऊपर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तमिलनाडु में और कुछ ऐसे अलग अलग सिटीज़ में तो वो सभी चीज़ें जब सॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद में इस फिल्म को डब करके वहां पर भी रिलीज़ किया जाएगा इसके अलावा केरला स्टोरी के का सैटेलाइट प्रीमियर भी ज़रूर होगा लेकिन सैटेलाइट प्रीमियर के लिए इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डायलॉग में चेंजेस होंगे कुछ सीक्वेंस को काटा जाएगा उसके बाद में इस फिल्म को टीवी पे भी थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीने के बाद जिस किसी भी टेलीविज़न चैनल ने राइट्स लिए होंगे उनके चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को ओ टी टी के ऊपर आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा द केरला स्टोरी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी में तीन किरदारों को मुख्य वे में दिखाया हुआ है उसके ऊपर इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है केरला में और कर्नाटक में कई ऐसे एरियाज में जो एक कन्वर्जन होता है इस्लाम का में कन्वर्ट करते केरला में ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है तो उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के तक, तक तो ठीक है उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सिरसिया में उनको आई एस आई की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आई एस आई के लिए यूज़ किया जाता है तो यही सब चीज़ों में इस फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में डीप में दिखाया हुआ है जहाँ पर किस तरह से ब्रेन वॉश होता है लव जिहाद का एंगल भी इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से सभी चीज़ों को ये जो लोग इसके पीछे छुपे हुए जो ये सभी चीज़ें अपने हिसाब से चलाना चाहते तो वो लोग किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश करते किस तरह से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाते किस तरह से बाद में उस उनको आई एस आई एस में भेजा जाता है किस तरह से वो सभी चीज़ें एज आई एस आई एस आई आए बन के उनके पास करवाई जाती है इसके अलावा लव जिहाद का एंगल भी दिखाया हुआ है ये सभी एंगल को डीप में हमारे सामने पेश किया हुआ है जिसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की तहे दिल से तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने बखूबी काफ़ी एक रियलिटी को हमारे सामने सेम टू तो सेम वे में दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप तो ने जो फिल्म की कहानी है उसको सूर्यपाल सिंह सुदीप्तो सिंह और विपुल अमृतलाल लाल शाह ने मिलकर लिखी हुई है फिल्म को मीडियम टू लो बजट में ही बनाया हुआ था इस कहानी को लिखने के पीछे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट को लिया हुआ है जहाँ पे जो अलग अलग रियल इंसिडेंट घटे उसको तीन किरदारों में सेट किया हुआ है जहाँ पे एक किरदार का नाम है सालिनी एक का नाम है नीमा आसिफा गीतांजलि तो ये जो लड़कियाँ हैं उनके किरदारों में जो अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग जो घटनाएं घटी थी उनको एक करके एक स्टोरी बनाने के लिए एक थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए सभी किरदार सभी ये सभी घटनाएं इन तीन किरदारों के थ्रू दिखाने की कोशिश की हुई है इसके अलावा फ़िल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने सनसाइन पिक्चर्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है उसके नीचे इसको प्रोड्यूस करवाया हुआ था उन्होंने अपनी खुद की इस फिल्म को रिलीज़ दिलवाई हुई है इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट अदा शर्मा देखने को मिलेगी जिसने सालिनी उन्नी कृष्णन का रोल प्ले किया हुआ है उसके बाद में कन्वर्ट होने के बाद उनका नाम फातिमा बह रखा जाता है योगिता बिहानी ने निमहा का रोल प्ले किया हुआ है सोनिया बलानी को आसिफा का रोल दिया गया था सिद्धि नानी ने गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है देवादर सिंह ने सालिनी की माँ का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा विजय कृष्णा प्रणय पांचोरी प्रणव मिश्रा जैसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो प्रशांत मोहपात्रा ने सिनेमाटोग्राफी की हुई है फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ये सर्टिफिकेट के पीछे बायोलेंस है जिस तरह का जो इसमें जो सभी चीज़ें दिखाई हुई वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है वैसे इस फिल्म में वुमन सेफ्टी के लिए ही मैसेज दिया हुआ है जिस तरह से जो चीज़ें घट रही है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया की लड़कियाँ सेफ रह सके तो उसमें कोई ए सर्टिफिकेट वाली बात तो नहीं है इस फिल्म का रन टाइम एक सौ अड़तीस मिनट यानी कि दो घंटे अट्ठारह मिनट की ये फिल्म है जिसमें पूरी कहानी दिखाई हुए किस तरह से चीज़ें होती है किस तरह से इस्लाम में पहले कन्वर्ट करवाया जाता है कुछ लोगों के थ्रू और वही लोग बाद में किस तरह से इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उनको आई में ज्वाइन करवाते और उसके बाद में उनको उनके ट्रेनिंग दिलवाते सीरिया और वहाँ पर और उसके बाद में उनको ही यूज़ करके वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी गट्स के साथ दिखाया हुआ है ये सभी दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए तो उन उन्होंने मेकर्स ने बखूबी सच्चाई को दिखाया हुआ है फिल्म को एडिट किया है संजय शर्मा ने म्यूजिक डिपार्टमेंट में वीरेश श्रीवल्सा और विशाख ज्योति ने काम किया हुआ है जहां पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए सनसाइन जो पिक्चर्स है जो फिल्म का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन कंपनी ने ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने ही पास रखे हुए जहां पे उन्होंने खुद इन सभी गानों को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे गाने गानों के ऊपर बातचीत करें तो कुछ एक गाने इस तरह जैसे कि एक का गाने एक गाने का नाम है तू मिला एक गाने का नाम है अथी राविल एक का नाम है पागल परिंदे और इस तरह से अलग अलग वजन में ये सॉरी इस तरह से तीन गानों को इस फिल्म में डाला हुआ है ये सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से सेट किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत है वो विपुल अमृत अमृतसा ने एज़ ए क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे स्टार्ट की हुई थी जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत काफ़ी लंबे समय से कर दी थी फ़िल्म के डायरेक्टर जो इस फिल्म की कहानी के राइटर भी है तो वो अलग अलग केरला के एरियाज़ में गए थे वहाँ पर अलग अलग इंसिडेंट को लेते हुए उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टडी की और उसके बाद में उन्होंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जिसमें उनको काफ़ी समय लगा हुआ था इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी अलग अलग लोकेशंस में की हुई पहले तो वैसे केरला में और कर्नाटक दो ऐसे शहर थे जहाँ पे इसकी शूटिंग हो सकती थी तो वहाँ पे उन दो राज्यों में करने की कोशिश की हुई थी लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपको भी पता ही है अभी फिल्म में फिलहाल में फिल्म रिलीज हुई उसके पीछे भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी इन लोगों ने क्रिएट की हुई है तो अब देखने वाली बात है कि क्या वो इस फिल्म को केरला में और कर्नाटक में शूट करने देते तो वही सब चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई हुई है इस फिल्म में किस तरह से क्रिश्चियन हिंदू ये सभी जो लड़कियाँ हैं जो केरला से मिसिंग है और वो बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीसिया में आई एस आई के इसकी ट्रेनिंग के लिए भेजे जाता है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी एक्यूरेट वे में उन्होंने सभी चीज़ों को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की हुई है जिसमें वो बखूबी काफ़ी हद तक सक्सेस हुए क्योंकि जितनी भी जिस वो चीज़ें दिखाई हुई है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की हुई है तो मेकर्स की तरफ से एक अच्छा अप्रोच देखने को मिला है इस स्क्रिप्ट और फिल्म के प्रति जहाँ पर उन्होंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की हुई है उनकी इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी जिनको ये सभी चीज़ें नहीं पता थी उनके सामने ये सभी ट्रूथ आए जिसके चलते आने वाले वाले समय में पेरेंट्स है या लड़की आए कि जो कोई भी है जो इस कन्वर्जन वाले एंगल में फंस रहा है उसके बाद में वो आई एस आई में जाने भेजा जाता है तो ये सभी चीज़ों से वो दूर रह सकते अगर कोई उनको ऐसा कोई लगे कि ये सभी चीज़ें ये आई एस आई में भेजने के लिए आतंकवादी का साथ देने के लिए करवा रहे उनका मकसद पूरा करने के लिए तो उन सभी लोगों से वो दूर रह सकते फिल्म में ज़रूर ये सभी चीज़ें दिखाई हुई है, है हुए, तो वहाँ पर कुछ जो ये लोग है जो पॉलिटिकल एंगल इसमें घुसा रहे कुछ लोग इसमें धर्म का एंगल घुसार है इसमें कोई धर्म की बात नहीं है जहाँ पे इसमें ऐसा कुछ कह रहे कि ये इस्लाम धर्म को ठेस पहुँचा ठेस पहुँच रही है तो ऐसा नहीं है इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया हुआ है उन लोगों को टारगेट किया हुआ है जो लोग ये सभी चीज़ें करते आ रहे हैं जो लड़कियों को आतंकवाद के मार्ग में ले जाने की कोशिश कर रहे तो उनके खिलाफ ये सभी चीज़ें ना कि धर्म के खिलाफ तो ये सभी चीज़ें लोगों को बीच में क्लियर हो जाती लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल इसमें डाला हुआ है जो पॉलिटिक्स बीच में घुसा रही है जो अलग अलग पार्टीज है वो मिलकर इस फिल्म के थ्रू अपना प्रोपोगेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही है तो वही सब चीज़ों के चलते एक अलग एंगल इस फिल्म ने लिया हुआ है अदरवाइज ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म कैसी है उन्होंने इस फिल्म को बखूबी काफ़ी सराहाया हुआ है और एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दिलवाई हुई थी काफ़ी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिखा हुआ है इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा स्टार बड़ी एक्ट्रेस या बड़े डिरेक्टर राइटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से वीकेंड हासिल किया हुआ है वो आपको पता चलेगा कि लोगों को पता है कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी है किस तरह से कैसी चीज़ों को सपोर्ट करना है वो सभी चीज़ें उन्होंने उनको बखूबी पता है जिस तरह से द काश्मीर फाइल फिल्म को सपोर्ट किया गया था जिसको बॉलीवुड या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ से उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन ऑडियंस की तरफ से जो सपोर्ट मिला था उसके चलते उस फिल्म ने अपना एक मकाम हासिल किया था ठीक उसी तरह ये फिल्म भी कुछ उसी रास्ते पे चल रही है सच्चाई के रास्ते पे जहाँ पे वो आसानी से आम जनता को कनेक्ट करते हुए नजर आती है क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी चीज़ें देखनी है कौन सी चीज़ें नहीं देखनी है फिल्म को पाँच मई 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते आई पे फिलहाल में इकतीस हजार वोट मिले हुए जिसमें आठ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को जब रिलीज किया गया ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सियल मार्केट ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी के इर्द गिर्द थी रिलीज होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक पॉजिटिव सिग्नल मिला उसके बाद में इस फिल्म को रिलीज किया गया तब पहले दिन फिल्म ने आठ करोड़ और तीन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था हालांकि ये फिल्म पहले जब स्टार्ट हुई थी तब डिसेंट ओपनिंग ली हुई थी पहले एक दो शो में लेकिन उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव वे में फैला है उसके बाद में नाइट के शो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ चले थे जिसके चलते आठ करोड़ तीन लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के डे बाई डे शो बढ़ते गए और फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता रहा जिसके चलते अच्छा कलेक्शन किया हुआ था हालाँकि तमिलनाडु है केरला के कुछ एरियाज है वहाँ पर फिल्म प्रॉपर वे में नहीं चल रही है तमिलनाडु में खास करके गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल था लेकिन पता नहीं कोई एक दो ऐसे बीच में लोग आए हुए जो अपनी मनमानी करते हुए इस फिल्म को रिलीज नहीं करवा रहे ना पर तक एक में रिलीज मिलती है क्योंकि अगर पूरी प्रॉपर रिलीज मिली तो ये फिल्म और भी ज्यादा लंबा रन लेगी और, और कलेक्शन करेगी और लोगों के बीच में एक मैसेज का अवेयरनेस जाएगा जहां पे इस फिल्म ने दूसरे दिन ग्यारह करोड़ बाईस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है तीसरे दिन सोलह करोड़ चालीस लाख का इसके चलते इस फिल्म ने पैंतीस करोड़ पैंसठ लाख का पहले वीकेंड का नेट कलेक्शन इंडिया से किया वहीं पर चौथे दिन जो एक टेस्ट वाला डे होता है जो जहाँ पे पता चलता है कि मंडे के दिन अगर फ्राइडे से कर, आ, करीबन पचास साहठ परसेंट भी ओपनिंग ये फिल्म ले लेते पर मंडे के दिन चल जाते उतना कलेक्शन कर लेते तो ये फिल्म लंबा रन लेगी लेकिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले और भी ज़्यादा कलेक्शन किया वर्किंग डे होने के बावजूद दस करोड़ सात लाख का कलेक्शन निकल के आया जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से चार दिनों में पैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख का, का कलेक्शन करने में कामयाब रही वैसे देखा जाए तो एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है जहाँ पे जो एक अवेयरनेस क्रिएट की हुए हैं वुमन को रिगार्डिंग एक सेफ्टी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें दिखाई हुई बताई हुई है तो इसमें कलेक्शन इतना कुछ मैटर नहीं करती है लेकिन मैं कलेक्शन इसलिए आपको बता रहा हूँ इससे अंदाज़ा लगेगा कि थिएटर में ये फिल्म कितनी ऑडियंस जाके देख रही है एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आठ करोड़ तीन लाख का कलेक्शन था तब टिकट रेट्स थोड़े हाई होते पहला वीकेंड रहता है लेकिन मंडे के दिन फ्राइडे और सैटरडे संडे के मुकाबले टिकट लो रहते हैं लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले दो सवा दो करोड़ का ज्यादा कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि लोगों को यह फिल्म कितनी पसंद आ रही है लोग इस मैसेज को कितना शेयर कर रहे हैं और जो ये अवेयरनेस इसमें क्रिएट की हुई है वो लोगों को जरूर पसंद आई है उन्होंने अप्रिसिएट की और यही सब चीजों की चलते इस फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई है और ये फिल्म प्रॉपर वे में थिएटर में वर्क कर रही है सभी ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा सराहा रही है जहां पे द केरला स्टोरी फिल्म फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म को अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए बरा बुला भला बुरा कह रहे लेकिन वो सभी चीज़ें मायने नहीं रखती है ऑडियंस ने इस फिल्म को सपोर्ट दे दिया इसका मतलब ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन जरूर आगे जाके करेगी हाँ कुछ क्रिटिक्स है जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स कहे जाते हैं उन्होंने इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है लेकिन जो एक रेगुलर क्रिटिक्स के या यूट्यूब के जो चैनल चलाते हैं वो उसको क्रिटिक्स के तौर पे ले या कोई ऑडियंस को तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इस वजह से आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है थिएटर में काफ़ी सारे शोज़ मिले हुए अलग अलग जगह पर तो आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और ये एक अच्छी खासी मैसेज ओरिएटेड फिल्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा उनको भी जाने के लिए आपसे अप्रोच कीजिएगा तो वो भी इस फिल्म को थिएटर में जाके के देखे तो एक अच्छा खासा अवेयरनेस

हिंदी के अलावा दूसरी सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया जाने वाला है लेकिन जिस तरह की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जो रिलीज़ के ऊपर थोड़ी दिक्कतें आ रही है तमिलनाडु में और कुछ ऐसे अलग अलग सिटीज़ में तो वो सभी चीज़ें जब शॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद में इस फिल्म को डब करके वहां पर भी रिलीज़ किया जाएगा इसके अलावा केरला के स्टोरी का सैटेलाइट प्रीमियर भी ज़रूर होगा लेकिन सैटेलाइट प्रीमियर के लिए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ डायलॉग में चेंजेस होंगे कुछ सीक्वेंस को काटा जाएगा उसके बाद में इस फिल्म को टीवी पे भी थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीने के बाद जिस किसी भी टेलीविजन चैनल ने राइट्स लिए होंगे उनके चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से द केरला स्टोरी फिल्म को ओ टी टी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में प्रीमियर करवाया जाएगा तो बस गाइज द केरला स्टोरी फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए हैं फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दी हुई है फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर एक जानकारी दी हुई है इसके अलावा इस फिल्म स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में भी एक डिटेल में हमने चर्चा की हुई एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो बस गाइज हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू